Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, I am ACCA Disha Chauhan, a proud FinTrammer and your faculty for Financial Accounting. Welcome everyone to Financials Accounting Revision Bootcamp. अब ये रिविजन बूट कैम्प क्या है? रिविजन बूट कैम्प जो है दो पिलर्स पे स्टैंड करता है. पहले तो हम रिविजन करेंगे. तो अभी तक हमने जितने सेशंस पढ़े उन सब का हम एक रिविजन सेशन बनाया है जिसमें हम उन सारे टॉपिक्स को, सारे सेशंस की इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज करेंगे दोबारा. फिर रिवीजन बूट कैम्प में आ जाता है आपका वीडियो क्वेश्चन मैराथन. तो ये वीडियो क्वेश्चन मैराथन भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिमिलर कि आपका एग्जाम भी दो पार्ट्स में होता है, यानी कि सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी. तो वैसे ही हमने वीडियो क्वेश्चन मैराथन सेक्शन ए किया है जहां हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और फिर सेक्शन बी के क्वेश्चन. नाउ इसमें हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आज आप एग्जाम में जाओ आपको एक फ्लेवर ऑलरेडी आया हो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. तो इस रिवीजन बूट कैम्प में हम पहले रिवीजन करेंगे और फिर वीडियो क्वेश्चन मैराथन. नाउ इसका फायदा यह है कि आपको एग्जाम से जस्ट पहले अलग अलग चैप्टर्स के वीडियो खोलने की जरूरत नहीं है, 10 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ ये रिवीजन वीडियो देख सकते हो सो दैट एक बार आप थरली रिवाइज कर लो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो आज के सेशन में हम करेंगे रिवीजन और फिर आगे जाके हम रिवीजन बूट कैम्प में वीडियो क्वेश्चन मैराथन को भी करेंगे. तो आज अभी हम स्टार्ट करते हैं द रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस रिवीजन सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे. तो पहले तो हम ब्रॉड सिलेबस एरियाज, जो भी हमारे सिलेबस एरियाज जो है, जो भी हमारे सेशंस थे ना, जो चैप्टर्स थे वो इन्हीं सिलेबस एरियाज के अंडर फॉल करते हैं. जैसे कि आपने ऑफ कोर्स पढ़ा था क्या कंटेक्स्ट ऑफ पर्पस था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके क्या रूल्स थे, कैसे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हो, कैसे हमने एक सोल ट्रेडर के लिए बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी, फिर कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी. फिर हमने कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ा जहां हमने बैलेंस शीट और पीएनएल, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और पीएनएल बनाई. और फाइनली हमने कवर किया था लास्ट सेशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहां पे हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा था, इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ा था, क्या क्या टाइप के रेशियोज होते, कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं. फिर रिवीजन में हम पढ़ेंगे एनालिसिस, हम देखेंगे कि कैसे एनालिसिस करेंगे एग्जाम स्ट्रक्चर का, कि एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइम का है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं, वो सब. और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस, कुछ एग्जाम टेक्निक्स भी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रिवाइज. तो सबसे पहले अगर आपको याद हो हमने बिगिनिंग में पढ़ा था एकदम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जहां पे हमने सीखा था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पर्पस क्या है. तो पहले तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था एक तरीका जिससे आप रिकॉर्ड करते हो, एनालाइज करते हो और समराइज करते हो अपना फाइनेंशियल डेटा. अब ये फाइनेंशियल डेटा क्या है? फाइनेंशियल डेटा हमने देखा था बेसिकली नाम दिया गया है टू द एक्चुअल ट्रांजैक्शन जो होते हैं. अगर आप किसी को गुड्स बेच रहे हो तो एक ट्रांजैक्शन हुआ, वो बन गया आपका फाइनेंशियल डेटा. अगर आपने कहीं से गुड्स खरीदे हैं, एक ट्रांजैक्शन हुआ, राइट, परचेज किया आपने, वो हो गया आपका फाइनेंशियल डेटा. ये ट्रांजैक्शंस को आप कहाँ रिकॉर्ड करते हो? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में. तो ये ट्रांजैक्शंस को आप एनालाइज करते हो अपने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में, फिर आप क्या करते हो, इनको पोस्ट कर देते हो लेजर अकाउंट्स में और फाइनली ये ट्रांजैक्शन समराइज किए जाते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, जो आपके अगेन बैलेंस शीट हो गया चाहे पीएनएल हो गया. फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई क्या क्या टाइप की बिजनेस एंटिटीज होती हैं, जहां हमने तीन मेन टाइप्स देखे थे, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज. सोल ट्रेडर में आपने क्या देखा? ओन बाय वन, लायबिलिटी ऑन वन. बेसिकली आप ओनर हो बिजनेस के, हो सकता है आपने कुछ एम्प्लॉयज रखे हो या हो सकता है नहीं भी रखे हो, बट यू आर द वन हु इन्वेस्टेड द कैपिटल. कोई भी प्रॉफिट है वो आपका हो रहा है, कोई भी लॉसेज है वो आपको बेयर करने हैं. सोल ट्रेडर की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है बिजनेस से, इसी वजह से अगर कोई लॉसेस हुआ, अगर डेट्स आ गए तो आपको अपना पर्सनल चीजें भी बेच के उसको चुकाना पड़ेगा क्योंकि देयर इज नो लीगली सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द बिजनेस. इसलिए ओनर लीगली रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के लिए. तो ये हमने देखा था सोल ट्रेडर के लिए. फिर हमने बात की थी कि भाई पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं, यू नो, फॉर दे डिसाइड कि भाई कोई बिजनेस हमें साथ में चलाना है, तो होता है पार्टनरशिप। ना पार्टनरशिप अग्रीमेंट आप बनाते हो जो कि लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट होता है, जिसमें काफी डिटेल में चीजें लिखी होती है कि भाई किसने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया, किसका क्या शेयर है प्रॉफिट का। तीन पार्टनर्स हैं तो जरूरी नहीं है कि यू नो सबको इक्वल हो, दो में भी ज़रूरी नहीं है आपने इक्वल रखा हो, शायद 70-30 रखा हो, तो कुछ भी हो सकता है रेशियो। फिर आप बताओगे कि भाई क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पार्टनर्स की, क्या प्रोसीजर्स होंगे अगर आपको डिसॉल्व यानी कि ख़त्म करनी है अपनी ये पार्टनरशिप। देन हमने बात की थी अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो की थी हमारी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। यस, ये हमने देखा था कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है बेसिकली टू टेक दिस एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। कल को कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, सो दे माइट लूज द मनी दैट दे हैव इन्वेस्टेड, द कैपिटल दैट दे हैव इन्वेस्टेड, बट अदर देन दैट वो डेट्स जो है अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के नहीं चुकाएंगे क्योंकि उनकी लायबिलिटी है लिमिटेड। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन इसके साथ साथ देन कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, राइट। इफ यू आर अ कंपनी देन आपको यू नो कंप्लाई करना पड़ेगा विद सम लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, जैसे कि फॉर कंपनीज इन द यूके दे हैव टू बी रजिस्टर्ड एट कंपनीज हाउस, दे नीड टू कंप्लीट देयर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, देन दे नीड टू हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर और 2 इन केस अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, देन दे नीड टू प्रिपेयर देयर फाइनेंशियल अकाउंट जो कि वो सबमिट करते हैं देन टू दैट कंपनी हाउस, एंड ऑल्सो हैव देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अगर ये कोई बड़ी कंपनीज है, एंड देन ऑफ कोर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को। फिर हमने बात की थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंसेस के बारे में कि कैसे एक दूसरों से अलग है, क्योंकि अकाउंटिंग है इसका मतलब ये नहीं कि हर अकाउंटिंग सेम होती है, राइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एकदम अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एकदम ही कुछ अलग चीज़ होती है। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है कि इसमें आप डिस्क्लोज कर रहे हो अपने बिजनेस के एंड रिजल्ट, फाइनेंशियल कंडीशन या जो है आपकी बिजनेस का ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आपका ईयर एंड कुछ भी हो, जैसे 31 दिसंबर है तो उस डेट पे आपकी कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या पोजीशन रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन द अदर हैंड बेसिकली प्रोवाइड करता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हेल्प करेगी मैनेजमेंट को विथ सेटिंग ऑफ सम गोल्स, इवैल्यूएटिंग ऑफ दोज गोल्स। बेसिकली उसको यूज करेंगे टू प्लान फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट का देखने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स इन्फॉर्मेशन इज यूज बाय एक्सटर्नल पार्टीज, तो आप जो अकाउंट्स आप बनाते हो तो वो ज़्यादातर तो आप एक्सटर्नल पार्टीज यूज़ कर रही हैं, आपके शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है, लेंडर्स इंटरेस्टेड है, लेकिन मैनेजरियल अकाउंटिंग के जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो इन्फॉर्मेशन वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के विदन ही यूज़ होगा, यानी कि आपके मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़ ही यूज़ करेंगे, एज सच आप बाहर नहीं उसको दे रहे हो कहीं। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग लीगली आप रिक्वायर्ड हो कि आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और उसको शेयर भी करना पड़ेगा विद योर इन्वेस्टर्स, लेकिन मैनेजर अकाउंट की जो आप रिपोर्ट्स बनाते हो यू आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड कि आप उसको कहीं बांटो, किसी के साथ शेयर करो, लीगली रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस करता है हिस्ट्री में, जब आपका पूरा साल बीत जाता है आप उसकी परफॉर्मेंस दिखा रहे हो, राइट। यू आर रिपोर्टिंग ऑन योर प्रायर क्वार्टर, प्रायर ईयर, पूरा जो साल बीत गया। मैनेजर अकाउंटिंग हावा फोकस करता है प्रेजेंट पे और फ्यूचर में कैसे बेटर हो सकता है, फ्यूचर के फोरकास्ट को देखता है। रूल्स जो आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हैं वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, चाहे आप लोकल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो या गैप फॉलो कर रहे हो या IFRS फॉलो कर रहे हो, लेकिन मैनेजर अकाउंटिंग की जो आप रिपोर्ट्स है वो इंटरनली क्योंकि यूज होते हैं इसलिए आपको कोई लीगल रिक्वायरमेंट से मीट नहीं होना है, आप उसको अपने तरीके से बना सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ना कौन कौन यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? मैनेजर्स ऑफ द कंपनी, ऑफ कोर्स दे आर इंटरेस्टेड कि भाई कंपनी ने इस साल कैसे परफॉर्म किया, हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या हमने अपने टारगेट्स मीट किए, आर वी परफॉर्मिंग एफिशिएंटली और नॉट। शेयर होल्डर्स डेफिनेटली इंटरेस्टेड है टू सी कि क्या जो मैनेजमेंट है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, उन्होंने क्या जो प्रोमिस किए थे वो डिलीवर किए हैं, आर वी हैप्पी, आर वी सैटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। ट्रेड कॉन्टैक्ट्स आपके सप्लायर्स हो गए, दे आर इंटरेस्टेड कि भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या मैं इस कंपनी के साथ रिलेशनशिप बनाए रखूं, क्या मुझे मेरा पैसा मिलेगा। जो आपको फाइनेंस दे रहा है, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, एनी बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, दे आर ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड कि भाई कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर मैं इस कंपनी को लोन दूं, क्या मुझे मेरा लोन वापस मिलेगा, पैसे वापस आएंगे, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। टैक्सेशन अथॉरिटीज, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है, टैक्सेशन अथॉरिटीज इंटरेस्टेड है, एम्प्लॉयज तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड है। भाई आपका फ्यूचर डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, सो यू आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड। लाइक आई सेड, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड एडवाइजर, तो इन ऑर्डर टू एडवाइज देयर क्लाइंट्स कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या नहीं, उनको ऑब्वियसली इंटरेस्ट है आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, एंड द पब्लिक एट लार्ज, क्योंकि पब्लिक का भी बहुत सारा रोल होता है, चाहे वो एज अ कस्टमर हो या फिर एज अ एम्प्लॉय का, मतलब अगर एक कंपनी कहीं आई है तो आस पास की जगहों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बढ़ोतरी होती है वहाँ की, तो पब्लिक को भी इंटरेस्ट है कि भाई वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। सो दिस इज पब्लिक एट लार्ज। गवर्नेंस, नाउ दोज हु आर चार्ज्ड विद गवर्नेंस ऑफ अ कंपनी, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है बाय विच योर कंपनीज और एंटिटीज आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। नाउ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कंपनी को ओन कर रहा है यानी कि शेयर होल्डर्स और जो मैनेज कर रहा है वो सेम लोग नहीं होते, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, झगड़े आ सकते हैं, हो सकते हैं, इसलिए यू नीड गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। नाउ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं डायरेक्टर्स की, तो इन द यूके एज पर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2006 उसने सेट आउट की है 7 स्टैट्यूटरी ड्यूटीज डायरेक्टर्स के लिए। सो डायरेक्टर्स को एक्ट करना चाहिए विद इन देयर पावर्स, उनकी जो पावर्स है उसके विदिन ही, और उसके बाहर जाके नहीं कुछ करना चाहिए। ऑफ कोर्स दे शुड प्रमोट अपनी कंपनी का सक्सेस, एक्सरसाइज करना इंडिपेंडेंट जजमेंट की क्या ये डिसीजन सही है, क्या ये कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। दे नीड टू एक्सरसाइज रीजनेबल स्किल, केयर एंड डिलीजेंस, किसी के साथ भी जाके बिजनेस नहीं करेंगे, दे विल डू ड्यू डिलीजेंस कि हाँ क्या वो बंदा सही है या नहीं है। दे शुड अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन उनका और कंपनी यानी कि शेयर होल्डर्स के बीच में अगर कुछ है। नॉट एक्सेप्ट बेनिफिट फ्रॉम थर्ड पार्टीज, अपने क्लाइंट से या किसी से भी थर्ड पार्टी से कोई बेनिफिट, कोई गिफ्ट एज सच नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। एंड डिक्लेयर इंटरेस्ट इन अ प्रपोज ट्रांजैक्शन, अगर कोई ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट या हो रहा है आपकी कंपनी का किसी के साथ, लेकिन आपका भी उसमें कोई इंटरेस्ट है, मे बी आप जिस कंपनी के साथ कर रहे हो वो आपकी किसी रिलेटिव की कंपनी है या कुछ भी, अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू शुड गो अहेड एंड डिक्लेयर दैट इंटरेस्ट। फिर हमने बात की थी कि एक फाइनेंशियल रिपोर्ट के क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स देयर आर एसेट्स, जिसकी डेफिनेशन है कि एसेट एक प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स है जो कि कंट्रोल की जाती है बाय एंटिटी बिकॉज ऑफ अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, आपको वो मिला है, और उसका राइट है दैट आपको पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले। सो एन इकोनॉमिक रिसोर्स इज अ राइट दैट हैज द पोटेंशियल कि वो आपको बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट दे पाएगा। लाइबिलिटी क्या होती है, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो जाता है जहां पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा वो इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और ये ऑब्लिगेशन एक ड्यूटी है ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एंटिटी हैज नो प्रैक्टिकल एबिलिटी टू अवॉइड। कैपिटल या इक्विटी क्या है, नाउ जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है एक बिजनेस में बाय दी ओनर्स, ठीक है, वो जो है वो बिजनेस ऑफ कोर्स ओ करता है टू दी ओनर को, तो इसलिए ये एक स्पेशल काइंड ऑफ लायबिलिटी होती है जो कि कैपिटल के फॉर्म में होती है, पर आती है वो एसेट्स के बाद ही, लाइक लायबिलिटीज एंड आपके कैपिटल एंड इक्विटी सब साथ में ही आता है। सो शेयर कैपिटल इज नोन एज इक्विटी। इक्विटी एक रेसिडुअल इंटरेस्ट है इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर यू हैव डिडक्टेड ऑल ऑफ योर लायबिलिटीज। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू ऑब्वियसली एक इनकम है जो कि जनरेट की जाती है बाय द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस फॉर अ पीरियड, अगर आप कोई सेल्स कर रहे हो आपको पैसा मिल रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। एक्सपेंसेस वो कॉस्ट है जो आप रन अपना बिजनेस को रन करने के लिए इंकर करते हो। इनकम इज इंक्रीज इन योर एसेट्स और डिक्रीज इन योर लाइबिलिटीज दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो जाते हैं आपके एसेट में या इंक्रीज हो जाते हैं आपकी लाइबिलिटी में, जो कि रिजल्ट करेगा इन डिक्रीज ऑफ योर इक्विटी। देन हमने बात की थी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, जहां हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ा था और देखा था कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे काम करता है। तो रेगुलेटरी सिस्टम में अगर आपको याद हो हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि क्या क्या कुछ चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं दैट हैव शेप्ड दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आपका नेशनल या लोकल कोई लेजिस्लेशन हो, जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, इंडिविजुअल जजमेंट हो गया, जो वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोई भी अदर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस हो गया, आपके गैप हो गए और फेयर प्रेजेंटेशन। देन हमने बात की थी IASB, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एक बोर्ड है जो कि डेवलप करता है IFRS। वो स्टैंडर्ड्स हैं राइट, जो कंपनीज यूज करती हैं अगर किसी कंपनी ने अडॉप्ट किया IFRS टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव IFRS फाउंडेशन का यही है दैट दे वांट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इवेंचुअली ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। अगर सारी कंपनीज कंट्री वाइज अलग अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज सोचो एक ही स्टैंडर्ड्स यूज करें टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कितना इजी हो जाएगा कंपैरिजन करना, कंसोलिडेट करना। तो ये ग्लोबल हार्मोनाइजेशन ही एम है। IASB एक इंडिपेंडेंट प्राइवेटली फंडेड बॉडी है जो कि डेवलप करती है आपके IFRS। नाउ IFRS फाउंडेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट दे वांट टू डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ हाईली क्वालिटी अंडरस्टैंडेबल और ऐसे एनफोर्सेबल स्टैंडर्ड जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो और लोग उसको, कंपनीज उसको अडॉप्ट कर सकें, यूज कर सकें। They want to promote the use and rigorous application of those standards. They want to take in account आपके middle size, medium size, small size entities का भी and bring about convergence जो आपके अभी national accounting standards है to IFRS and high quality solution. Now जो IFRS है उसका use क्या है, application क्या है? So IFRS have helped to improve and of course harmonize financial reporting around the world. You know these standards are used. Kai countries have adopted them. They are used as national requirements. They are used and some places as national requirements, as an international benchmark by your regulatory authorities, or the companies could have just adopted themselves. अगर उनकी country में ऐसे required भी ना हो, फिर भी कुछ companies ने adopt कर लिया है IFRS around the world. IASB का conceptual framework के main assumptions में सबसे पहला आ जाता है going concern assumption. ये वो assumption है जिसपे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती है। सो नॉर्मली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो ऑन द गोइंग कंसर्न assumption, जो कि कहता है कि यस आपकी कंपनी एग्जिस्ट करेगी फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। आपको एज सच अभी कोई ऐसा दिक्कत दिख नहीं रही है जिस वजह से कंपनी बंद हो जाए या ऑपरेट ना कर पाए इन द फोर्सिबल फ्यूचर। फोर्सिबल फ्यूचर यूजली होता है 12 months। अगर आपको लगता है कि लेट्स से आपका बहुत डेट बढ़ गया है और आपको लग रहा है कि मुश्किल होगा हमारे आगे ऑपरेट करना, तब आप बोलोगे कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे आप नहीं बना सकते हो स्टेटमेंट्स, तब आप एक ब्रेकअप बेसिस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो। अक्रूअल बेसिस, नाउ एंटिटीज प्रिपेयर करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन दिस अक्रूअल बेसिस, यानी कि वो रिकॉर्ड करती है ट्रांजैक्शंस एज एंड व्हेन दे ईदर अर्न रेवेन्यू और दे इंकर एक्सपेंसेस और नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। तो ये तो आपका बेसिक अक्रूअल बेसिस जो आपने अभी तक पढ़ा है वही है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ा था, जहां हमने देखा था कि एक तो फंडामेंटल हो जाते हैं जिसमें 2 आ जाते हैं और एनहांसिंग। तो फंडामेंटल में हमने पढ़ा था रेलेवेंस, यानी कि ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है। तो आपको इन्फॉर्मेशन एक टाइमली बेसिस पे प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर इट टू बी रेलेवेंट टू द यूजर्स। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, टू बी अ फेथफुल रिप्रेजेंटेशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरी तरह से कंप्लीट, न्यूट्रल एंड फ्री फ्रॉम एनी एरर। एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा था कंपेरेबिलिटी, यानी कि आप कंपेयर कर पाओ इसको, एनेबल करो सको यूजर्स को आइडेंटिफाई करना या अंडरस्टैंड करना कोई भी सिमिलरिटी या डिफरेंसेस अमंग आइटम्स। वेरीफाइबिलिटी, इंफॉर्मेशन कोई भी ज़्यादा आप उस पर भरोसा कर सकते हो अगर वो वेरीफाई हो सके। वेरीफाइबिलिटी हेल्प्स अश्योर इंफॉर्मेशन फेथफुली रिप्रेजेंट्स जो इकोनॉमिक फॉर्मूला वो पर्पोर्ट कर रही है टू रिप्रेजेंट। टाइमलीनेस मीन्स आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जब आपको वो डिसीजन करना है। अगर बाद में इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसका कोई फायदा एज सच नहीं होगा। द ओल्डर इट इज गेटिंग मोर यूजलेस ऑल्सो। देन हमने बात की थी अंडरस्टैंडेबिलिटी की, यानी कि आप क्लासिफाई कर रहे हो, कैरेक्टराइज और प्रेजेंट कर रहे हो इंफॉर्मेशन को एकदम क्लियरली और कंसाइसली सो दैट ये अंडरस्टैंडेबल हो, लोग इसको अच्छे से समझ पाए। देन हमने बात की थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है आपका द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। नाउ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो आपको अपने ओनर, जो ओनर है उसके ट्रांजैक्शंस, उसके पर्सनल ट्रांजैक्शंस आप कभी मिक्स नहीं कर सकते बिजनेस के साथ। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है हर जगह, भले ही आप सोल ट्रेडर हो, आप पार्टनरशिप हो, आप कंपनी हो। आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो चाहे ना हो, ये कॉन्सेप्ट फिर भी अप्लाई होगा। This applies whether or not business is recognized as a separate legal entity, जैसे कि मैंने कहा। So business entity concept is that you will always treat अपने business, अपने transactions separate from the business. So transactions of the owner are separate from the transactions of your business. Sources, records and आपकी books of prime entry। तो इस सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पहले तो क्या क्या टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, चाहे आप सेल्स कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, राइट, आप उसको, इस ट्रांजैक्शन को आप कहीं रिकॉर्ड करोगे किसी डॉक्यूमेंट पे। तो कुछ कुछ टाइप के सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एक तो हो गया कोटेशन। ये वो डॉक्यूमेंट है जो आप एक कस्टमर को सेंड करो, जहां पे आपने मेंशन किया होगा कि आप इतना कोट कर रहे हो, जो भी आप गुड प्रोवाइड करते हो, सर्विस प्रोवाइड करो, उसके लिए आप क्या चार्ज करने वाले हो। तो ये हो गया कोटेशन। फिर होता है परचेज ऑर्डर। ये एक डॉक्यूमेंट है ऑफ कंपनी का, जो कि डिटेल करेगा कि क्या क्या गुड्स हैं या सर्विस है जो कंपनी खरीदना चाहती है दूसरी कंपनी से। सेल्स ऑर्डर में आप मेंशन करोगे क्या क्या चीजों का ऑर्डर आया है। डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी दैट डिटेल्स एंड ऑर्डर जो कि कस्टमर ने अब प्लेस किया है। गुड्स रिसीव नोट एक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी जो कि लिस्ट कर रहा है कि क्या क्या गुड बिजनेस ने रिसीव किए हैं फ्रॉम द सप्लायर। और वैसे ही गुड्स डिस्पैच नोट में एक डॉक्यूमेंट है जो कि लिस्ट कर रहा है कि आपने क्या क्या गुड्स भेजे हैं टू द कस्टमर। इनवॉइस रिलेट करता है टू योर सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। जब भी आप कोई सेलिंग कर रहे हो या परचेज करते हो, बेसिकली क्रेडिट पर अगर होता है तो एक इनवॉइस रेज किया जाता है, ठीक है। आप इनवॉइस सेंड करते हो अपने कस्टमर को, जो फाइनली फिर बाद में जाके पेमेंट करता है। यूज क्या है इन इनवॉइसेस का? तो इनवॉइसेस में भी यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इट कैन एक्ट एज अ कॉपी टू कस्टमर कि भैया आपने रिक्वेस्ट किया है एक्चुअली पेमेंट के लिए, आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेज सकते हो सो दैट दे कैन इवेंचुअली मैच इट विद दैट पेमेंट। कॉपी टू योर वेयर हाउस टू डिस्पैच के आपको पता है कि चलो इतना गुड्स हमें डिस्पैच करने हैं। एंड यू कैन ऑल्सो मैच दिस टू योर सेल्स ऑर्डर एंड यू कैन गिव टू योर सेल्स डिपार्टमेंट एज अ रिकॉर्ड ऑफ सेल्स। स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है विच इज सेंड आउट बाय सप्लायर जो कि कस्टमर को भेजता है कि भाई ये ट्रांजैक्शंस आपके और मेरे बीच में हुए हैं, इसमें ये इनवॉइसेस मैंने रेज किए हैं, ये क्रेडिट नोट्स भेजे गए हैं, ये पेमेंट मुझे आपसे मिल चुका है। क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट है जो अगेन सप्लायर भेजता है कस्टमर को, बट दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स जो कि रिटर्न हुए या अगर कोई ओवर पेमेंट हो, इसलिए इसको कहते हैं हम ऑल्सो नेगेटिव इनवॉइस। फिर हमने बात की थी डेबिट नोट के बारे में। ना डेबिट नोट एक डॉक्यूमेंट है जो आप कस्टमर सेंड कर रहे हैं सप्लायर को। दिस इज बेसिकली कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप मुझे अब एक क्रेडिट नोट इश्यू कर दो विद रिगार्ड्स टू जो गुड्स रिटर्न हुए या अगर कोई ओवर पेमेंट हुआ था। रेमिटेंस एडवाइस एक डॉक्यूमेंट है जो अब आप सेंड करो सप्लायर को, जिसमें आपने मेंशन किया क्या क्या पेमेंट हुए हैं, डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस जो कि आपने पे कर दिया और क्या क्या अभी क्रेडिट नोट्स ऑफसेट हो चुके हैं। एंड रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग, कंफर्मेशन दैट यस एक पेमेंट आपको मिल गया है। यूजली ये कैश सेल्स में होता है जब आपको तुरंत एक रिसिप्ट दी जाती है कि यस आपने पेमेंट कर दिया है। द नीड फॉर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। नाउ बुक ऑफ प्राइम एंट्री वो बुक्स है जहां पे आप फर्स्टली रिकॉर्ड करते हो कोई भी जो ट्रांजैक्शन आपका हो रहा है। तो मेन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ये सारी हैं। आपकी सेल्स डे बुक में ऑफ कोर्स जो सेल्स हुई है वो रिकॉर्ड कर रहे हो, परचेज डे बुक में परचेज है, सेल्स रिटर्न डे बुक में जो भी सेल्स रिटर्न हुए, परचेज रिटर्न डे बुक में जो भी परचेज रिटर्न हुए, जर्नल में कोई भी और अदर ट्रांजैक्शन जो इन किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, कैश बुक रिलेटिंग टू योर कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड योर पेटी कैश बुक रिलेटिंग टू योर पेटी कैश। पेटी कैश जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, बिजनेसेस एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश रखती है अपने प्रीमाइसेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, स्टाफ रिफ्रेशमेंट, टैक्सी के पेमेंट्स के लिए, और इसी को वो पेटी कैश करती हैं। पर इंपॉर्टेंट है कि इसका भी वो अकाउंटिंग करे क्योंकि ईजिली ये चोरी किया जा सकता है। सो अ पेटी कैश बुक इज अ कैश बुक फॉर योर स्मॉल पेमेंट। सो एक इम्प्रेस सिस्टम होता है जहां पे द अमाउंट ऑफ मनी इन योर पेटी कैश इज केप्ट एट एन अग्रीड सम ऑफ फ्लोट, जो कि इम्प्रेस है आप डिसाइड कर लेते हो कि इतना हमेशा उसमें पैसा होना चाहिए। तो अगर आप निकाल रहे हो तो आपको पता है आपको उतना ही वापस डालना होगा अपने पेटी कैश उसमें, सो दैट वो अमाउंट मेंटेन रहे। लेजर अकाउंट्स एंड डबल एंट्री, जो आपका लेजर अकाउंट है वो समराइज करता है वो सारे इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जो कि लिस्ट किए गए हैं अब आपके बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। सो द रिकॉर्ड ऑफ योर ट्रांजैक्शन, जो भी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज है, दे शुड बी केप्ट इन दिस मैनर। एक क्रोनोलॉजिकल यानी कि एक ऑर्डर में होते हैं, डेटेड होते हैं, दे कुड बी इन क्यूमुलेटिव टोटल्स, या तो आप डे बाय डे बता रहे हो, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, या इवन ईयर बाय ईयर। नॉमिनल लेजर जिसको हम ऑल्सो कहते हैं जनरल लेजर, यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपकी फ्रॉम योर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसको आप पोस्ट कर देते हो अपने अकाउंट्स में नॉमिनल लेजर के। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो जो सारे आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट्स है वो पार्ट बन जाते हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, और जो भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटी अकाउंट्स है वो सीधा जाते हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन यानी कि बैलेंस शीट में। फॉर्मेट क्या होता है एक लेजर अकाउंट का? नाउ देयर आर टू साइड्स टू अ लेजर अकाउंट। तो एक यूजली लेजर अकाउंट टी अकाउंट जिसको कहते हैं कुछ इस तरह से बनता है, जहां पे टॉप पे आ जाता है अकाउंट का नेम, लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट और राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट साइड। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इसको ऑल्सो हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वेशन, क्योंकि इसी से तो आप देखते हो बैलेंस शीट टैली करता है, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू आप देखते हो कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल अगर मैच कर रहा है तो देन यू यस से दैट बैलेंस शीट हो गई है टैली। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि आप बिजनेस से, एक ओनर जो बिजनेस से निकालता है। पेएबल्स एंड रिसीवेबल्स क्या है? जब आप कुछ चीज क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो आपको उसको इंसान को पे तो करना होगा, तो वो आपका पेएबल बन गया, क्रेडिटर बन गया, इसलिए वो आपके लिए अभी लायबिलिटी है। सिमिलरली आपसे शायद किसी ने गुड्स खरीदे हो आपके बिजनेस से क्रेडिट पे, तो वो आपको पे करेगा, तो वो आपका डेटर बन गया, रिसीवेबल बन गया, इसलिए अभी के लिए वो है एसेट। फिर हमने बात की थी मैचिंग के बारे में, यानी कि मैचिंग कन्वेंशन क्या कहता है? दैट जो आप रेवेन्यू अर्न करते हो इट शुड बी मैच विद द एक्सपेंसेस जो कि आपने इंकर किया होगा टुवर्ड्स अर्निंग दैट रेवेन्यू। डबल एंट्री बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग बेस्ड है ऑन दैट आइडिया दैट हर ट्रांजैक्शन का इक्वल बट ऑपोजिट इफेक्ट होता है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है दैट Every accounting event must be entered in your ledger account, both एक as a debit होगा and equal but opposite credit। तो अगर आप $20 से debit कर रहे हो तो आप $20 से कोई अकाउंट क्रेडिट भी कर रहे हो सकता है आप दो अकाउंट्स क्रेडिट कर रहे हो, तब आप क्या कर दोगे? $10 के होंगे। बेसिकली बात टोटल की यहाँ हो रही है कि जो टोटल होगा वो इक्वल बट ऑपोजिट होगा, यानी कि यहाँ डेबिट है तो यहाँ ये क्रेडिट में आएगा। सो डुअल इफेक्ट यानी कि डुअलिटी कॉन्सेप्ट यही है दैट एन अकाउंट इज मेंटेन फॉर एवरी एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, जहां पे आप ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्डेड ट्वाइस, सो दैट हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट है जो कि बैलेंस किया जाता है बाय अ क्रेडिट। नाउ जो ये रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते हो, राइट। डेबिट एंट्री का क्या मतलब होता है कि आपका एसेट्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। वैसे ही क्रेडिट एंट्री का क्या मतलब होता है? अब एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और इनकम भी इंक्रीज हो रही है। तो ये है आपके रूल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। जर्नल, जर्नल एक रिकॉर्ड है ऑफ योर बुक प्राइमरी एंट्री फॉर योर ट्रांजैक्शन, जहां पे जैसे कि मैंने कहा कोई और अगर आपने ट्रांजैक्शन किसी और बुक ऑफ प्राइम एंट्री में नहीं किए तो आप जर्नल में कर सकते हो। ऑल्सो जर्नल्स रिकॉर्ड करता है कोई भी अनयूजुअल मूवमेंट बिटवीन अकाउंट्स, या फिर इट इज यूज टू रिकॉर्ड एनी डबल एंट्रीज विच मेड डू नॉट अराइज फ्रॉम एनी अदर बुक्स ऑफ, मतलब कोई भी नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन अगर हो गया तो वो आप फिर जर्नल में डाल सकते हो। रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स लेजर, योर अकाउंट्स जो आपके नॉमिनल लेजर में होते हैं चाहे वो इनकम हो गए, एसेट से रिलेटेड हो गए, दे आर रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, रादर देन टू अ पर्सन टू होम द मनी इज पेड ऑफ फ्रॉम रिसीव, इसलिए ये सब इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं। फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर में हमने सबसे पहले तो देखा था कि भाई ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो एक बार जब आपने सारे लेजर अकाउंट्स बना लिए, उसको बैलेंस कर दिया, फिर उसके क्लोजिंग बैलेंस को आप समराइज करते हो एक लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में, जो होता है आपका ट्रायल बैलेंस, जो कि टैली अगेन करना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस कुछ इस तरह से देखता है, आपके क्रेडिट साइड में चीज़ें आएंगी, डेबिट में चीज़ें आएंगी, एंड आप फाइनली टोटल देखोगे कि यस योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। सो अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर गया है सो यू कैन यूज इट राइट टू टेस्ट एक्यूरेसी कि हाँ आपने हर चीज सही से की होगी, बिकॉज इट वर्क्स बाय लिस्टिंग द बैलेंसेज ऑन योर लेजर अकाउंट एंड योर टोटल डेबिट्स शुड इक्वल टोटल क्रेडिट्स. लेकिन हो सकता है टू कॉलम्स ऑफ दिस लिस्ट आर नॉट इक्वल, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ सम एरर्स. अगर आपने कंप्लीट ओमेशन कर दिया तब तो आपको नहीं पता चल पाएगा राइट, क्योंकि तब तो कंप्लीटली ओमेशन हो गया. तो कुछ ऐसे एरर्स हैं जो आप ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहे तो आपको पता चल रहा है गड़बड़ हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी एरर्स हैं जो कि डिस्क्लोज नहीं हो पाते हैं ड्यू टू ट्रायल बैलेंस बनाने के. यानी कि आपको ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा लेकिन फिर भी ये एरर्स होंगे. कंप्लीट ओमेशन है यानी कि ना डेबिट बना था ना क्रेडिट, इसलिए आपका ट्रायल बैलेंस जरूर टैली कर दिया लेकिन एक एरर अभी भी है. पोस्टिंग ऑफ अ डेबिट और क्रेडिट टू द करेक्ट साइड ऑफ अ लेजर बट गलत अकाउंट, अगेन ट्रायल बैलेंस इसमें भी टैली कर जाएगा. कॉम्पनसेटिंग एरर, ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है बट यहाँ आप देख सकते हो क्योंकि एक एरर ने दूसरे एरर को कॉम्पनसेट कर दिया, अभी आपके उसमें रिकॉर्ड्स में एरर स्टिल है लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है. एंड एरर ऑफ कोर्स एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, इस केस में भी ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा लेकिन एक एरर है. जैसे कि कैश, अगर आप रिसीवेबल्स, कैश फ्रॉम रिसीवेबल्स बीइंग डेबिटेड टू योर ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल एंड क्रेडिट टू कैश एट बैंक इंस्टेड ऑफ डूइंग द उल्टा एंट्री. तो डेबिट क्रेडिट अभी भी क्योंकि अराइज हुआ है इसलिए ट्रायल बैलेंस तो टैली कर गया लेकिन आपका एक मेजर एरर ऑफ प्रिंसिपल है. तो ये कुछ ऐसे एरर्स हैं जो कि आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके तो नहीं पकड़ पाओगे. इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री के सेशन में हमने सबसे पहले भाई सीखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करना है. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा. ओपनिंग इन्वेंट्री एड योर कॉस्ट ऑफ परचेसेस लेस योर क्लोजिंग इन्वेंट्री विल गिव यू योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कई बार हो सकता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो और आपको परचेसेस ढूंढना हो, तो आपको बस ये फॉर्मूला को थोड़ा ट्विक करना होगा एंड यू विल फाइंड दैट आंसर. कॉस्ट ऑफ कैरेज इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. कैरेज क्या होता है? कैरेज रिफर्स टू वो कॉस्ट जब आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है वो अपने जो भी गुड्स परचेज किया है सप्लायर के प्रीमाइसेस से अपने बिजनेस प्रीमाइसेस से. तो अगर आप जिसने खरीदा है अगर वो पे कर रहा है इसके लिए तो वो हो गया उसके लिए कैरेज इनवर्ड्स, और अगर सप्लायर पे कर रहा है तो वो हो गया कैरेज आउटवर्ड्स. कैरेज इनवर्ड्स को आप ऐड कर सकते हो टू द कॉस्ट ऑफ परचेसेस, और कैरेज आउटवर्ड्स जो कि सेलर ने किया है वो उसके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इन योर स्टेटमेंट ऑफ P&L आ सकते हैं, वहां दिखाए जा सकते हैं. गुड्स रिटन ऑफ और रिटन डाउन. सो हो सकता है कुछ ट्रेडर्स नहीं बेच पाए हैं गुड्स, ऑल ऑफ द गुड्स जो कि उन्होंने परचेस किए थे. नाउ दिस कुड बी बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस. मे बी वो गुड्स अब वो इसलिए नहीं बेच सकते क्योंकि वो गुड्स है ही नहीं, चोरी हो गए हैं या गुम गए हैं या फिर डैमेज हो गए हैं, दे हैव बिकम वर्थलेस या फिर अब ऑब्सोलीट हो गए हैं. यूजली फैशन इंडस्ट्री में ये होता है क्योंकि फैशन कीप्स ऑन चेंजिंग. काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्रीज, नाउ क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्रीज जो कि आप होल्ड कर रहे हो एट द ईयर एंड वो आप इस्टेब्लिश करते हो बाय अ मीन्स ऑफ फिजिकल काउंट ऑफ इन्वेंट्री जिसको आप यूजली कहते हो इन्वेंट्री काउंट या इवन कंटिन्यूअस इन्वेंट्री काउंट. वैल्यूइंग ऑफ इन्वेंट्री, नाउ एज वी नो इन्वेंट्रीज आर ऑलवेज वैल्यू ऑफ एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड योर नेट रिलायजेबल वैल्यू. कॉस्ट आप अराइव कर सकते हो या तो फीफो मेथड यूज करके या फिर एफको मेथड यूज करके. सो डिटरमाइनिंग परचेस कॉस्ट फीफो यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज पहले आई वही चीज पहले निकलेगी. इस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेशन में जहां पे हमने फीफो और एफको दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे टू फाइंड आउट कि क्या आपका कॉस्ट आएगा. Using this technique, we assume that components आप use करो in order in which they are received from your suppliers. और AFCO में आप assume करते हो कि आप average weighted average price लेते हो. LIFO यानी कि last in first out ये अब applicable नहीं है. This is no longer as per IAS 2 permitted नहीं है. तो इस पे based आपको ये method सीखने की आप ज़रूरत नहीं है. But इसका वो ये concept है कि जो last में आ रहा है वो सबसे पहले जा रहा है. So if you are preparing your financial account, you will normally be using either FIFO or AFCO. ठीक है. Now these are pricing techniques only. In reality, आप obviously components को किसी भी order में use कर सकते हैं. IAS 2 inventories, इसका scope. Now क्या क्या excluded है from this standard? कोई भी work in progress जो कि under construction contracts है, क्योंकि ये दूसरे आपके एक standard cover करता है जो कि हमें अभी financial accounting के level पे नहीं पढ़ने की जरूरत है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, ये सारे जो है आउट ऑफ स्कोप है इस स्टैंडर्ड से. मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री जैसे कि मैंने भी कहा ये तो एकदम दिमाग में बिठा लेना है. इन्वेंट्री शैल बी मेजर्ड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रिलाइजेबल वैल्यू. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज किस किस टाइप के कॉस्ट से कंप्राइज किए जाते हैं, परचेज जो आपने किया, जो भी आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, कोई भी अदर कॉस्ट जो कि आप इनकर करते हो व्हेन यू आर ब्रिंगिंग योर इन्वेंट्रीज टू द प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, और कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में आपके दो टाइप के आ जाते हैं, एक तो होता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और दूसरे होते हैं वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स वो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो रिलेटिवली कांस्टेंट रहते हैं, रिगार्डलेस आप कितना भी वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा भी दी वो कॉस्ट फिर भी ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं। ये हो गया आपका कोई भी मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री मैनेजमेंट हो गया। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लेकिन वो कॉस्ट है जो कि वेरी करेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब आप वॉल्यूम बढ़ा दो, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल्स, लेबर, ये ऑब्वियसली कॉस्ट जो आपका बढ़ेगा कम होगा डिपेंडिंग और आपका वॉल्यूम अब क्या होता है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स पे। तो इसमें हमने क्या देखा था, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स पहले क्या होते हैं। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कि एक बिजनेस खरीदता है फॉर यूज इन द लॉन्ग टर्म। ये दो टाइप के होते हैं, आपके टैंजिबल यानी कि जिनका फिजिकल फॉर्म है, जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, और इंटैंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जो कि आप रियलाइज कर जाते हो, कंज्यूम कर जाते हो अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि रिजल्ट करता है जब आप एक्वायर कर रहे हो कोई नॉन करंट एसेट या इंप्रूवमेंट कर रहे हो अपने एग्जिस्टिंग नॉन करंट एसेट में। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि आप इंकर कर सकते हो फॉर वन ऑफ दीज रीजंस, मे बी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड ऑफ द बिजनेस या फिर टू मेंटेन करना अर्निंग कैपेसिटी आपके नॉन करंट एसेट्स का, तब भी आप ये इंकर कर सकते हो। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर दैट कैन बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, यानी कि आप इसको इंक्लूड कर सकते हो एज पार्ट ऑफ योर नॉन करंट एसेट। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कभी भी कैपिटलाइज नहीं कर सकते हो एज पार्ट ऑफ योर नॉन करंट एसेट, एंड इसको आपको हमेशा एक्सपेंस करना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। देन हमने ऑफ कोर्स बात की थी कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। जैसे एक्सपेंडिचर था वैसे इनकम है। कैपिटल इनकम आपको आएगी फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ सेल्स ऑफ आपके नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, यानी कि नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग बेच दी तो जो इनकम है वो कैपिटल इनकम होगी। प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम योर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स विल बी इंक्लूडेड इन योर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल फॉर द अकाउंटिंग पीरियड जब आपने वो सेल की है। रेवेन्यू इनकम कब आएगी, जब आप ट्रेडिंग एसेट्स को बेच रहे हो, मे बी गुड्स विच वर हेल्ड इन इन्वेंट्री, कोई भी प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर जो आप इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव करते हो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट विच इज हेल्ड बाय द बिजनेस। इसी में हमने जो स्टैंडर्ड पढ़ा था वो था आईएएस 16 का स्टैंडर्ड फॉर योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो कुछ डेफिनेशंस हमने देखी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई पीपीई जिसको हम कॉमनली कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्या ये एक टैंजिबल आइटम है जो कि आप यूज करते हो, हेल्ड करते हो अपने प्रोडक्शन सप्लाई में, आप रेंट पे भी दे सकते हो इसको, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन वन पीरियड। कॉस्ट वो अमाउंट ऑफ कैश है या कैश इक्विवेलेंट है जो कि आप पे करते हो, या फेयर वैल्यू या अदर कंसिडरेशन जो आप देते हो टू अक्वायर दैट एसेट। फेयर वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल एंड विलिंग पार्टीज इन योर नॉर्मल आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट है एक एसेट का जिसपे आप रिकॉग्नाइज करते हो उसको आफ्टर यू हैव डिडक्टेड एनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट लॉसेस। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है ना स्टैंडर्ड का, तो रिकॉग्नाइज कब आप पीपीई को रिकॉग्नाइज करोगे वो डिपेंड करेगा दो चीजों में, क्या प्रॉबेबल है कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे इस एसेट से, क्या वो एंटिटी में आएंगे वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एंड क्या आप कॉस्ट ऑफ द एसेट रिलायबली मेजर कर सकते हो या नहीं। सो इनिशियल मेजरमेंट इज ऑलवेज एट कॉस्ट। वंस यू हैव satisfied those conditions and it qualifies for as recognition as an asset, you will initially measure it at cost. कॉस्ट के क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, आपका जो भी परचेज प्राइस है इंक्लूडिंग जो आपने लेट्स से इंपोर्ट ड्यूटीज कोई पे की हो बट एक्सक्लूडिंग कोई अगर आपको डिस्काउंट मिला हो या सेल्स टैक्स दिया हो, देन इनिशियल एस्टिमेट ऑफ अगर आपको जो भी कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग या रिमूविंग है, अगर आप कभी कोई माइनिंग का काम करते हो सो यू आफ्टर यू आर डन विद इट आपको ना रिस्टोर करनी पड़ती है वो साइड, तो उसका कॉस्ट भी आप इंक्लूड कर पाओगे। कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो कि आपने इंकर किया इन ब्रिंगिंग दैट एसेट टू दैट वर्किंग कंडीशन, तो वो कॉस्ट भी आपके कॉस्ट में आ जाएगा। फॉलोइंग कॉस्ट हैं जो कि आप नहीं ले सकते एज पार्ट ऑफ योर पीपीई, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कोई भी एक्सपेंस ऑफ ऑपरेशन जो कि इंसिडेंटल है, कोई भी एडमिन एक्सपेंस हो गया या फिर कोई सिमिलर प्री प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, स्टाफ की ट्रेनिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट जो है आप उसको एज एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर सकते हो, बट दे विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ योर एसेट, यू विल जस्ट रिकॉग्नाइज देम एज एक्सपेंस इन योर पीएनएल। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऐड करते हो आप टू योर कैरिंग अमाउंट ऑफ दी एसेट, बट ओनली तब जब आपको प्रोबेबल हो कि भाई इस वजह से, इस एक्सपेंडिचर से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे दैन योर ओरिजिनली एसेस जो आपने किया था। बाकी और कोई भी अगर एक्सपेंडिचर, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, तब उसको आप एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करोगे अगर आप वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ योर डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या है? बेसिकली द पीरियड ओवर विच कि आप एक्सपेक्ट करते हो ये एसेट आपके लिए अवेलेबल होगा, या नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यूनिट्स दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट एसेट बाय दैट एंटिटी। रेसिडुअल वैल्यू एक एसेट की एक एस्टिमेटेड अमाउंट है दैट एन एंटिटी वोट करेंटली ऑब्टेन अगर वो उस एसेट को अभी डिस्पोज ऑफ कर दे आफ्टर यू हैव डिडक्टेड कोई भी आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट टू डिस्पोज दैट एसेट। डेप्रिसिएशन मेथड हमारे सिलेबस के लिए दो मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप जो है कैलकुलेट कैसे करते हो, आपका कॉस्ट क्या एसेट का माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय योर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, तो यही अमाउंट हर साल देन जाता है स्ट्रेट लाइन पे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप कैलकुलेट कर रहे हो एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज एज फिक्स परसेंटेज। अनलाइक योर स्ट्रेट लाइन मेथड, यहाँ पे आप देखोगे डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज होता रहता है एंड आप अभी रेसिडुअल वैल्यू को डिडक्ट नहीं करते हो, इंस्टेड यू स्टार्ट डेप्रिसिएटिंग इट अंटिल यू रीच दी रेसिडुअल वैल्यू एंड देन यू स्टॉप डेप्रिसिएटिंग इट। अगर कोई चेंज हो गया आपके एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ में या रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट में, तो जो नया डेप्रिसिएशन आपको वो ऑब्वियसली कैलकुलेट करना होगा, जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय कैरिंग अमाउंट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय जो भी आपके अब रिवाइज यूजफुल लाइफ हो गई है उसको। सो द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड एंट्री क्या होती है? यू डेबिट योर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये जाता है आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में, एंड यू क्रेडिट योर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कि अफेक्ट करता है आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो जो आपका कॉस्ट होता है आप माइनस अक्यूमुलेट डेप करते हो, राइट, और वही जो फाइनल कैरिंग अमाउंट है वो आपके बैलेंस शीट में जाती है। रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स आईएएस 16 रिक्वायर करता है जब दैट कोई भी आइटम ऑफ पीपीई को जब आप रिवैल्यू करो तो आपको सारा ऐसे जो उस क्लास में है उनको रिवैल्यू करना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट को कर रहे हो तो उसके अंदर जो उस क्लास के अंदर जो भी एसेट्स आएंगे आपको सबको करना होगा, पर आप चूज कर सकते हो। अगर आप सिर्फ कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट को कर रहे हो आपको जरूरी नहीं है कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग्स को भी रिवैल्यू करना होगा। So when your non-current assets are revalued, depreciation needs to be charged then on that revalued amount. तो एक excess depreciation आएगा। So the consequences of revaluation is कि अब आपका higher annual depreciation charge होगा, जो कि basically difference है आपके नए depreciation और old depreciation में। तो ये जो है जो डेप्रिसिएशन एक्सेस डेप्रिसिएशन आया है IAS 16 आपको अलाउ करता है कि आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम योर रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स अगर आपका मन हो तो, कोई कंपल्शन नहीं है। नॉन करंट एसेट्स डिस्पोजल, जब आप कोई नॉन करंट एसेट को बेच देते हो तो देर इज लाइकली दैट देयर इज गोइंग टू बी इधर अ प्रॉफिट और अ लॉस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आपने किस प्राइस पे उसको बेचा है और उसकी क्या कैरिंग अमाउंट थी, राइट। प्रॉफिट और लॉस विल डिपेंड ऑन दिस कैरिंग अमाउंट एंड द नेट सेल प्राइस। ऑब्वियसली आपने प्रॉफिट तब बनाया जब आपकी सेल प्राइस ज्यादा है देन कैरिंग अमाउंट, और लॉस है अगर आपकी कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी और आपने कम पे बेच दिया। एसेट रजिस्टर, एसेट रजिस्टर इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ योर नॉन करंट एसेट्स, और आप इसको यूज कर सकते हो एज एन इंटरनल चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ योर नॉमिनल लेजर। ऑलराइट, फिर हमने बात की थी इनटैंजिबल नॉन करंट एसेट्स की। तो इनटैंजिबल एसेट्स वो है नॉन करंट एसेट्स है जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं, यानी कि आप उनको टच नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते हो, जैसे कि गुडविल हो गया, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड ये सारी चीजें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? आईएएस 38 के अकॉर्डिंग इंटैंजिबल एसेट्स का जो स्टैंडर्ड है दैट इंटैंजिबल एसेट्स विल बी कैपिटलाइज्ड इन द अकाउंट्स एंड अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज क्या है? बेसिकली अनदर वर्ड है फॉर योर डेप्रिसिएशन। टैंजिबल एसेट्स के लिए होता है डेप्रिसिएशन, इनटैंजिबल्स के लिए हम क्या करते हैं? अमोर्टाइजेशन। कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं आपके आर एंड डी कॉस्ट के? तो R&D cost will include all those costs जो कि directly attributable है to your R&D activity. तो आप salary, wages हो गई, ये सारे जो हैं they which may be included in R&D but where applicable. तो अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो बट दे आर एंगेज इन आर एंड डी एक्टिविटीज, तभी आप मान सकते हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो कि कंज्यूम हो रहा है इन आर एंड डी एक्टिविटीज में, डेप्रिसिएशन ऑन दोज एसेट जो कि आप यूज कर रहे हो फॉर दोज आर एंड डी एक्टिविटीज, कोई भी ओवरहेड कॉस्ट अगेन रिलेटेड टू योर आर एंड डी एक्टिविटीज और अदर कॉस्ट बट अगेन रिलेटेड टू द आर एंड डी एक्टिविटीज ओनली. And as we had discussed, very important, research cost को आप recognize करोगे as an expense in the period in which they are incurred. आप उसको as an asset even at a later date कभी recognize नहीं करते, they will be always recognized as expense. Development expenditure, however, can be recognized as an intangible asset, but only if अगर आप criteria meet करो. Criteria क्या है? अगर आपको याद हो मैंने एक mnemonic दिया था सेशन में which was पायरेट, तो इससे आप याद रख सकते हो. पायरेट से पी से क्या है? प्रोबेबल होना चाहिए कि यस प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे. इंटेंशन होना चाहिए आपका कि आप कंप्लीट करोगे इस एसेट को, सेल करोगे फ्यूचर में या यूज करोगे. रिसोर्सेज होनी चाहिए टू कंप्लीट इट, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू यूज और सेल दैट एसेट. टेक्निकल फीसिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ आप इसको एक्चुअली कंप्लीट कर सकते हो. एंड यू शुड बी एबल टू मेजर रिलायबली कि क्या आपका एक्सपेंडिचर होगा. ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं अक्रूअल्स, प्रीपेमेंट्स एंड प्रोविजंस कंटीजेंसीज पे. तो अक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस है जो कि रिलेट करता है टू एन अकाउंटिंग पीरियड जिसके लिए अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, इसीलिए ये एक लायबिलिटी के तौर पे आते हैं. प्रीपेड एक्सपेंसेस हाउएवर वो एक्सपेंसेस है जिसके लिए आपने ऑलरेडी पे कर दिया बट दे रिलेट टू अ फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड, इसलिए अभी के लिए आप उसको दिखा सकते हो इन योर बैलेंस शीट एज एन एसेट. तो डबल एंट्री क्या होती है आपके अक्रूवल्स और प्रीपेमेंट की? प्रीपेमेंट्स को आप इंक्लूड करते हो जैसे कि मैंने कहा करंट एसेट्स में और अक्रूवल्स को एज लायबिलिटी में. तो एंट्री क्या होगी? अक्रूवल यू विल डेबिट दैट एक्सपेंस, क्रेडिट द लायबिलिटी जो अक्रूवल है. प्रीपेमेंट में यू विल डेबिट प्रीपेड एक्सपेंसेस एज एन एसेट एंड क्रेडिट द रिडक्शन इन एक्सपेंस. प्रीपेमेंट ऑफ इनकम यानी कि जिसको आप डिफर्ड इनकम या अनअर्न इनकम भी कह सकते हो, ये वो रेवेन्यू है जो कि आपने रिसीव तो कर लिया है बट एक्चुअली अभी तक अर्न नहीं किया है और आप ओनली तब रिकॉर्ड कर सकते हो इनकम जब आप अर्न करते हो, इसलिए अभी के लिए ये प्रीपेड इनकम एसेट की तरह नहीं बट लायबिलिटी की तरह आपको दिखाना होगा अपने अकाउंट्स में और जब आप उसको फाइनली अर्न कर लोगे तब वो आप एज इनकम उसको दिखा सकते हो. So the following entry will be required, debit cash in bank and अब अभी आप उसको as liability treat करोगे which will be credit your prepaid income or liability and your prepaid income will be recognized as an asset in your next accounting period when you finally earned it, then you will debit your that income, मतलब उसको liability को आपने जो recognize किया तो उसको cancel off करोगे and then you will recognize it credit income, rent income जिससे भी वो related है. सो प्रोविजंस, तो IAS 37 जो कि है फॉर प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट, वो व्यू करता है प्रोविजन को एज अ लायबिलिटी. तो प्रोविजन क्या है? हमने क्या पढ़ा था? दैट प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट. और लायबिलिटी क्या होती है? एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी जो कि अराइज होता है फ्रॉम पास्ट इवेंट जिसका सेटलमेंट जो है एक्सपेक्टेड होगा टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम योर एंटिटी. कोई भी आपकी जो रिसोर्स है, एंटिटी की रिसोर्सेज, उसका आउटफ्लो. IAS 37 जो है स्टेट करता है कि आप प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज अ लायबिलिटी बट ओनली इफ यू मीट दिस 3 कंडीशंस. तो अगर आपको याद हो हमने सेशन में ये तीनों कंडीशंस पढ़ी थी. क्या है वो 3 कंडीशंस? कि पहले तो आपको एज एन एंटिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए चाहे वो लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो as a result of past events, so you should have a present obligation. Then हमने बात किया था that probable होना चाहिए यानी कि more than 50% likely कि एक ट्रांसफर होगा of the economic benefits which will be required to settle the obligation. फिर जो तीसरी कंडीशन है वो है दैट आप एक रिलायबल एस्टिमेट कर पा रहे हो ऑफ दैट ऑब्लिगेशन. अगर आपने ये तीनों कंडीशंस सैटिस्फाई कर दी तब आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो प्रोविजन को एज अ लायबिलिटी. तो आपकी एंट्रीज क्या है लेजर अकाउंट में? क्या एंट्रीज जाएगी ये भी हमने कवर किया था सेशन में कि जब बिजनेस पहले एक बार प्रोविजन सेटअप कर देता है तो जो पूरा अमाउंट है उसको वो एक तो एक्सपेंस करेगा अपने पीएनएल में और क्योंकि आप प्रोविजन को एज ए लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर सकते हो तो आप बैलेंस शीट में प्रोविजन क्रिएट करोगे विच इज योर लायबिलिटी. सो यू विल डेबिट योर एक्सपेंसेस जो कि आपके पीएनएल को अफेक्ट करता है एंड यू विल क्रेडिट प्रोविजन. ऑब्वियसली व्हेन योर लायबिलिटी इंक्रीजेस यू क्रेडिटेड. डबल एंट्री बुक कीपिंग के रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. देन कंटेजेंट लाइबिलिटी क्या होती है ना, आईएएस 37 जो है डिफाइन करता है कंटेजेंट लाइबिलिटी को कि एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकता है जो कि अराइज होता है फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एंड जिसका एग्जिस्टेंस जो है वो कंफर्म होगा बाय अकरेंस या नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स जो कि होल्ली जो है जो भी एंटिटी उसके कंट्रोल में नहीं है. तो एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, आपको भी पता नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, पॉसिबल है कि हो सकता है ऑफ कोर्स फ्रॉम योर एज अ रिजल्ट ऑफ योर पास्ट इवेंट जिसका आपको एग्जिस्टेंस तभी पता चलेगा जब कोई इवेंट या तो अकर होगा या अकर नहीं होगा. ऑल्सो एक और डेफिनेशन उसकी है कि वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो सकता है तब भी आप उसको एज अ कंटेजेंट लायबिलिटी ट्रीट कर पाओगे. लेकिन द थिंग इज कि उसमें प्रॉबेबल नहीं है क्योंकि अगर आपके पास प्रॉबेबल हो जाता है तब हम प्रोविजन के बाकी फिर कंडीशंस देखने आएंगे. तो अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है बट इट इज़ नॉट प्रोबेबल कि एक इकोनॉमिक रिसोर्स ट्रांसफर होगी या अमाउंट आपको आप मेजर नहीं कर सकते हो इन केसेस में क्योंकि आपने तीनों कंडीशंस आप सेटिस्फाई नहीं की तो प्रोविजन तो नहीं हो सकता है तो ये हो जाएगा कंटिजेंट लायबिलिटी अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और अगर ये दोनों चीज़ आप नहीं कर पाए सेटिस्फाई या इसमें से कोई एक. कंटीजेंट लायबिलिटीज को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, याद है आप मैंने इस सेशन में भी बहुत बार रीइटरेट किया था, यू डू नॉट रिकॉग्नाइज देम इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट जस्ट डिस्क्लोज देम इन योर नोट्स टू अकाउंट्स. तो दे शुड जस्ट बी डिस्क्लोज इन द नोट्स इफ दे आर मटीरियल. नाउ डिस्क्लोजर्स क्या होंगे कि आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन तो देना ही पड़ेगा कि भाई क्या नेचर है वो जो कंटीजेंट लायबिलिटी है उसका और कोई भी एस्टिमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट. कोई भी आपको इंडिकेशन भी देना पड़ेगा ऑफ अगर कोई अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है और ऑल्सो अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि रीएम्बर्समेंट मिल सकता है. फिर हम आ जाते हैं कंटिजेंट एसेट्स पे. तो आईएएस 37 कंटिजेंट एसेट्स ये जो डेफिनेशन देता है वो ये है कि ये एक पॉसिबल एसेट है जो अगेन अराइज हुआ है आपके पास्ट इवेंट से जिसका एग्जिस्टेंस कंफर्म अगेन तभी होगा बाय द अकरेंस या नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो आपके एंटिटी के होली कंट्रोल में नहीं है. तो सिमिलर टू कंटीजेंट लायबिलिटी बट उसमें ऑब्वियसली एक ऑब्लिगेशन था, इसमें एसेट है. नाउ अगेन सिमिलर टू योर कंटीजेंट लायबिलिटीज कंटीजेंट एसेट भी रिकॉग्नाइज नहीं होती इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मस्ट नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द अकाउंट्स बट शुड बी डिस्क्लोज अगर प्रॉबेबल है कि हाँ भाई इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी एसोसिएटेड है उसके साथ एसेट के साथ वो फ्लो करेगा आपकी एंटिटी को. वेयर एन इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रॉबेबल तब वो एंटिटी डिस्क्लोज कर सकती है उसको एज अ कंटीजेंट एसेट इन देयर नोट्स टू अकाउंट्स. और आपको क्या क्या देना होगा, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन क्या नेचर है उसका वेयर प्रैक्टिकेबल अगर पॉसिबल है ये और एक एस्टिमेट अगर आप फाइनेंशियल इफेक्ट का दे सकते हो तो प्रोविजंस रिकॉग्नाइज आप कर अगर आपने वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई की रिकॉग्नाइज कर दो एज अ लायबिलिटी. कंटीजेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉग्नाइज इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डिस्क्लोज्ड इन योर नोट्स. और क्या डिस्क्लोजर्स करने वो भी हमने देख लिया. तो यही चीजें हमने कवर की थी सेशन में भी. अब हम आ जाते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि था इर्रिवर्केबल डेट्स एंड अलाउंसेस और सेल्स टैक्स. तो इर्रिवर्केबल डेट वो डेट है जो अब आपको लगता है कि भाई ये डेफिनेटली आपको इसका पैसा नहीं मिलेगा, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी पेड. तो अगर आपका कोई डेटर था, ट्रेड रिसीवेबल था, हु ओज यू लेट्स से $100 एंड यू आर 100% श्योर आपको पता चला है कि दिस कस्टमर इज इन डीप फाइनेंशियल ट्रबल ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी एंड बहुत ड्यू हो गया है टाइम, उसने अभी तक पैसा नहीं दिया. तो अब आपको लगता है कि भाई ये पैसा मुझे डेफिनेटली नहीं आएगा, व्हेन यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि भाई ये नहीं आएगा तब उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो एज एन इररिवर्केबल डेट. इररिवर्केबल डेट कुड अकर जब लाइक आई सेड कस्टमर बैंकरप्ट हो गया है एंड दे आर रिटन ऑफ एज एन एक्सपेंस. ऑब्वियसली ये आपको पैसा आने वाला था पर नहीं आया तो आपके लिए तो एज अ कंपनी एक्सपेंस हो गया ना, इसलिए आप उसको राइट ऑफ करते हो. तो हमने क्या लेजर एंट्रीज देखी थी हमारे सेशंस में, दैट यू विल डेबिट योर इररिवर्केबल डेट एक्सपेंस जो कि ऑफकोर्स आपके पीएनएल को अफेक्ट करता है एंड विल क्रेडिट योर ट्रेड रिसीवेबल. सो उस अमाउंट से आपको अपना एसेट को भी तो कम करना होगा, वैसे ऐसे जब बढ़ता है हम उसको डेबिट करते हैं इसलिए इसमें हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं और ये इफेक्ट ऑफ कोर्स आपके बैलेंस शीट को कर रहा है. सो यही है एंट्री इररिवर्केबल डेट की. नाउ अगर ऐसा हो जाए कि आपने तो इररिवर्सिबल डेट राइट ऑफ कर दिया, लेकिन समहाउ सब्सिक्वेंटली वो पैसा आ गया, वो कस्टमर ने, वो डेटर ने आपको भाई आगे चल के दे दिया पैसा, आपकी किस्मत अच्छी थी, तब उस केस में आप क्या करोगे? एन इररिवर्सिबल डेट विच हैज बीन रिटर्न ऑफ, हो सकता है ओकेजनली कि वो पे ऑफ हो जाए, तब आप एंट्री क्या करोगे? अब आपको जो आपने इररिवर्सिबल डेट यू नो रिकॉग्नाइज किया है, आपको उसको सबसे पहले हटाना है, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल्स को तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। पहले हम डेबिट करते हैं, तो अब हमने उसको क्रेडिट कर दिया, तो ऊपर वाली एंट्री में जब आपने रिकॉग्नाइज किया था वो तो हट गया, तो डेटर्स का तो बैलेंस स्टैंड ही नहीं करता है। तो मैं ये जो मुझे कैश आ रहा है, मैं किससे इसको राइट ऑफ करूँ, राइट? तो जो इररिवर्सिबल डेट आ रहा है आपके अभी स्टेटमेंट में, उसको आप हटाओगे, तो इसलिए आप उसको करोगे क्रेडिट, और क्योंकि पैसा आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली आप कैश को करोगे डेबिट। तो एंट्री होगी डेबिट कैश, क्रेडिट इररिवर्सिबल डेट एक्सपेंस। अल्टीमेटली अगर आप देखो इररिवर्सिबल डेट दोनों तरफ अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं, तो एंट्री वही हो गई जब मुझे मेरे डेटर्स पे ऑफ करते हैं, जो कि होती है कैश टू ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अल्टीमेटली वो हो गई। डाउटफुल डेट, एज द नेम सजेस्ट, ये डाउटफुल है, यहाँ अभी मेरे को पता नहीं है, शायद इररिवर्सिबल भी हो सकते हैं, शायद पैसा आ जाए, इसलिए मैंने अभी तक इसको एज इररिवर्सिबल ट्रीट नहीं किया है। दिस इज अ डेट विच इज पॉसिबली इररिवर्सिबल। इंपॉर्टेंट थिंग है कि पॉसिबली, अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ। अगेन ये हो सकता है कि आपको पता चले कि भाई कोई कस्टमर फाइनेंशियल डिफिकल्टी में जा रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार हो सकता है मुझे शायद पैसा ना मिले, क्योंकि लेट्स से उतना पीरियड पास ऑफ नहीं हुआ है, पर आपको पता चला कि भाई कस्टमर इज इन डिस्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, तो यू आर नॉट 100% श्योर, यू आर नॉट ऑलमोस्ट सर्टेन, बट यू आर थिंकिंग हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये पैसा शायद नहीं आएगा। उस सिचुएशन में आप इररिवर्सिबल डेट नहीं खड़ा करते हो, द डेट इज नॉट रिटर्न ऑफ, क्योंकि अभी सर्टेन नहीं है, राइट? इट इज नॉट येट सर्टेन, बट बिकॉज डाउट तो आपको है, क्योंकि डाउट है कि डेट पे होगा या नहीं, इसलिए आपको एक अलाउंस बनाना होता है विच इज मेड अगेंस्ट दैट डाउटफुल डेट। तो अलाउंस क्या होता है? अलाउंस फॉर रिसीवेबल, जो हमने पढ़ा था सेशन में, कि ये एक इम्पेयरमेंट अमाउंट है इन रिलेशन टू योर रिसीवेबल, जो कि रिड्यूस कर देगा आपके रिसीवेबल एसेट का टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट इन द बैलेंस शीट। तो जो आपका बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स जाता है, आपको देखा है हमने कि आप उसको भी डिडक्ट करते हो उसमें से अलाउंस, और फिर वो नेट अमाउंट आप दिखाते हो। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स की अगर जो अलाउंस आप खड़ा कर रहे हो अभी रिसीवेबल्स के लिए, उसकी हमने क्या लेजर एंट्रीज देखी थी? जब आप फर्स्टली सेटअप कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ये अगेन अलाउंस जो है इसको आप डेबिट कर दोगे आपने इररिवर्सिबल डेट एक्सपेंस। फॉर द फुल अमाउंट ऑफ अलाउंस यू विल डेबिट इट टू योर इररिवर्सिबल डेट एक्सपेंस एंड यू विल क्रेडिट योर अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। ये जो क्रेडिट फॉर अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स है, जो यहाँ लिखा है ना बैलेंस शीट को अफेक्ट कर रहा है, ये वही है कि जो आप ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करते हो, फिर आप फाइनल टोटल दिखाते हो रिमूविंग दिस। अगर सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपने देखा कि भाई इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, तो आप कैलकुलेट करोगे नया अलाउंस क्या रिक्वायर्ड है, फिर आप कंपेयर करोगे मेरा एग्जिस्टिंग बैलेंस क्या चल रहा है, क्या मुझे इंक्रीज करना है या उसको डिक्रीज करना है। अगर मुझे इंक्रीज करना है तो ऑब्वियसली मैं सेम एंट्री पास करूंगी विच इज डेबिट इररिवर्सिबल डेट क्रेडिट अलाउंस। लेकिन अगर मुझे डिक्रीज करना हुआ, अगर डिक्रीज, तो ऑब्वियसली इसी एंट्री को हम उल्टा कर देंगे बाय लॉजिक। You will debit then your allowance for receivable, credit that irrevocable debt with the amount of decrease। अगर let's say मुझे $100 से डिक्रीज करना है, तो मैं ये एंट्री पास करूंगी विथ $100। अगर $200 से डिक्रीज करना है, देन आ जाते हैं हम सेल्स टैक्स पे। सेल्स टैक्स जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है सेशन में, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लिवाई किया जाता है ऑन योर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड यूजली ऑफ कोर्स इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय योर लोकल टैक्सेशन अथॉरिटीज। तो इसमें हमने पढ़ा था कि भाई इनपुट और आउटपुट सेल्स टैक्स क्या है। आई होप आपको याद है, हमने सेशन में डिटेल में पढ़ा था कि रजिस्टर्ड बिजनेसेस जो हैं, जो सेल्स कर रहे हैं, वो चार्ज करते हैं आउटपुट सेल्स टैक्स, और जब बिजनेसेस परचेज करती है कोई आइटम, तो वो सफर करती है इनपुट सेल्स टैक्स। तो इन्हीं का डिफरेंस, अगर आपका आउटपुट सेल्स टैक्स लेट्स से ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है, तो दिस माइनस योर इनपुट सेल्स टैक्स, जो डिफरेंस आएगा वो होगा जो आप टैक्स अथॉरिटीज को पे करोगे। लेकिन अगर ये कम है और आपका इनपुट सेल्स टैक्स ज़्यादा है, तब आप क्या करोगे? जो डिफरेंस आ रहा है वो एक्चुअली आपको रिफंड मिलेगा फ्रॉम द अथॉरिटीज। फिर हमने बात की थी इसमें इररिवर्सिबल सेल्स टैक्स। जैसे कि हमने इररिवर्सिबल डेट देखा, वैसे ही इररिवर्सिबल सेल्स टैक्स। तो ये क्या होता है? कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा होता है कि सेल्स टैक्स जो कि आप कर्ज पे वो आप रिक्लेम नहीं कर सकते हो। कुछ भी रीजन हो सकता है उसका कि भाई शायद वो ट्रेडर जो है वो रजिस्टर्ड नहीं था सेल्स टैक्स के लिए, जो सफर किया था वो हो जाएगा आपका इरिवर्केबल सेल्स टैक्स। तो आपने जो सफर किया वो तो आपने सफर कर लिया राइट, पर आप जो है क्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि फॉर XYZ जो भी रीजन है उस वजह से। तो उस केस में जो इरिवर्केबल सेल्स टैक्स है ये हो जाता है, ट्रेडर जो है उसको ऑब्वियसली फिर बेयर करना पड़ेगा you know for this irrevocable sales tax. So trader only has to bear the cost of sales tax and also account for it accordingly. So amounts inclusive and exclusive of sales tax और tax ये भी हमने पढ़ा था। जब हम बोलते हैं gross amount of sales तो हम उसमें बोल रहे हैं कि जो sale है gross amount of sale or purchase जो amount उसमें है total वो inclusive है of tax amount, मतलब उसमें tax भी included है। लेकिन जब आप net amount बोलते हो तो वो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स होता है। तो नेट अमाउंट बेसिकली सेल्स टैक्स को इंक्लूड नहीं करते। तो नेट अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैक्स रेट। इस पे हमने सेशन में एक छोटा एग्जांपल क्वेश्चन भी देखा था कि कैसे आप निकाल सकते हो। नाउ जब ये इनपुट सेल्स टैक्स रिकवरेबल है उस केस में तो आपके कॉस्ट ऑफ परचेज शुड डेफिनेटली एक्सक्लूड द सेल्स टैक्स एंड इसलिए आपको रिकॉर्ड करना होगा नेट पे, क्योंकि नेट में एक्सक्लूडिंग होता है टैक्स। लेकिन अगर इनपुट सेल्स टैक्स नॉट रिकवरेबल है यानी कि इरिवर्केबल है तो आप जो है ये टैक्स अमाउंट फिर इंक्लूड कर सकते हो। सो योर कॉस्ट ऑफ परचेजेस मस्ट इंक्लूड द टैक्स। रिमेंबर ये टेबल मैंने आपको सेशन नोट्स में भी दिया था दैट फॉर योर परचेजेस अगर इरिवर्केबल इनपुट सेल्स टैक्स है आप इंक्लूड करोगे, रिकवरेबल एक्सक्लूड। और सेल्स टैक्स के केस में आप हमेशा एक्सक्लूड करते हो सेल्स टैक्स। सेल्स के केस में तो परचेजेस देख लिया और सेल्स देख लिया। अब हम आ जाते हैं ऑन कंट्रोल अकाउंट्स। तो कंट्रोल अकाउंट क्या था, एक नॉमिनल लेजर था जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो टोटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर बट इंडिविजुअल आइटम्स। तो कंट्रोल अकाउंट्स आर यूज चीफली फॉर योर ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। तो दो टाइप के हो गए, एक तो हो गया आपका रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट और एक हो गया पेएबल्स कंट्रोल अकाउंट। तो जो आपका रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट है इट इज एन अकाउंट इन विच यू आर कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस जो कि इन्वॉल्व करते हैं आपके रिसीवेबल्स इन टोटल। तो जो बैलेंस है ऑन योर रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट एट एनी टाइम ऑफ कोर्स इट शुड मैच विद द टोटल अमाउंट विच इज ड्यू एट एनी टाइम फ्रॉम योर रिसीवेबल्स, क्योंकि उन्हीं से तो बना है ये रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। जो आपके इंडिविजुअल रिसीवेबल्स है उसी का एक टोटल आप डाल के आपने ये अकाउंट बनाया है। सिमिलरली पेएबल्स कंट्रोल अकाउंट वो रिकॉर्ड है जहां आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हो इन्वॉल्विंग सारे पेएबल्स का इन टोटल। सो अगेन इसका बैलेंस भी है एट एनी टाइम मैच करना चाहिए कितना अमाउंट आप ओ करते हो टू योर क्रेडिटर्स यानी कि पेएबल्स। ऑलराइट, आ जाते हैं अब हम डिस्काउंट पे। नाउ डिस्काउंट क्या है, एक रिडक्शन है इन योर प्राइस ऑफ गुड्स बिलो द अमाउंट एट विच दोज गुड्स वुड नॉर्मली बी सोल्ड। तो दो टाइप के डिस्काउंट्स हमने देखे थे, एक तो था ट्रेड डिस्काउंट और एक था कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यूजुअली मिलता है जब आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो आपको सेलर दे सकता है। सो इट इज़ अ रिडक्शन इन योर कॉस्ट ऑफ गुड्स ओइंग टू द नेचर। कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट आपको तब मिलता है जब आप विद इन अ पीरियड जो बोल रहा है सेलर उस पीरियड में अगर आप उसको कैश पेमेंट कर दो, उसको सेटलमेंट कर दो तो आपको एक रिडक्शन मिल जाएगा इन द अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू दैट पर्सन। नाउ ट्रेड डिस्काउंट को आप कैसे अकाउंट करोगे, अगर ट्रेड डिस्काउंट जो आप रिसीव कर रहे हो आपको उसको डिडक्ट करना होगा फ्रॉम योर ग्रॉस कॉस्ट ऑफ परचेजेस, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने तो डिस्काउंट रिसीव किया ना तो आपके जो परचेजेस हैं उसको आपको फिर उतना कम करना पड़ेगा। तो आप उसको हटाओगे उतना ट्रेड डिस्काउंट रिसीव को। इन अदर वर्ड्स योर कॉस्ट ऑफ परचेजेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट विल बी स्टेटेड एट ग्रॉस कॉस्ट माइनस योर डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट जो आप अलाउ करते हो उसको आप डिडक्ट करोगे अगेन फ्रॉम योर ग्रॉस सेल्स, क्योंकि आप सेल्स वैल्यू में वो अमाउंट नहीं इंक्लूड कर सकते क्योंकि वो तो आपने डिस्काउंट दे दिया। कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो उस केस में क्या हो रहा है, इन योर परचेज अकाउंट द कॉस्ट ऑफ परचेजेस विल बी एट द इनवॉइस प्राइस और फुल ट्रेड प्राइस। इन योर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जो सेटलमेंट डिस्काउंट आप रिसीव करो उसको आप डिडक्ट कर सकते हो फ्रॉम योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैश या सेटलमेंट डिस्काउंट्स अलाउ जो आप करते हो, अगर कस्टमर एक्सपेक्टेड है कि भाई वो ले लेगा ये डिस्काउंट, तब तो जो है ये डिस्काउंट को आप डिडक्ट करोगे फ्रॉम योर इनवॉइस अमाउंट जब आप रिकॉर्ड करो अपना रेवेन्यू फॉर द सेल दैट यू हैव डन। लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली जाके लेट्स से कस्टमर ने नहीं लिया डिस्काउंट, तो आप फिर वो डिस्काउंट को एड बैक कर सकते हो अपने रेवेन्यू में, इट विल बी रिकॉर्डेड एज देन रेवेन्यू। लेकिन लेट्स से कस्टमर ने, आपको था कि भाई वो कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेगा, तो आपने तो अपना फुल इनवॉइस अमाउंट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दिया, फिर आगे जाके आप कस्टमर ने ले लिया ये डिस्काउंट, तब आपको जो डिस्काउंट अमाउंट है उससे अपना रेवेन्यू को उस अमाउंट से कम करना होगा एज पर लॉजिक ऑफ कॉस्ट। सप्लायर स्टेटमेंट्स, ना सप्लायर स्टेटमेंट्स हमने देखा था क्या था कि भाई सप्लायर जो है यूजली मंथली एक स्टेटमेंट सेंड करता है जिसमें वो सारी इनवॉइसेस जो इशू किए हैं उसने, जो भी क्रेडिट नोट्स हुए हैं, पेमेंट जो उसने रिसीव कर लिया, जो भी उसने डिस्काउंट दिया, इन सब की डिटेल्स होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसको इन स्टेटमेंट्स जो सप्लायर ने स्टेटमेंट भेजी कंपेयर कर सकते हो उससे टू द सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट जो आपके पेबल्स लेजर पे चल रहा है, क्योंकि अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर आती है, कोई भी डिफरेंसेस आते हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और अगर कोई एरर हुआ होगा उसको भी आप टाइमली करेक्ट कर सकते हो। कैसे आप कर सकते हो एक सप्लायर स्टेटमेंट की रिकंसिलिएशन, हमने उसके लिए ये 4 स्टेप्स पढ़े थे सेशंस में भी। पहला स्टेप, यू विल टेक ऑफ द आइटम्स जो कि अपेयर करें आपके दोनों स्टेटमेंट में, तो आपने अपने अकाउंट्स लिए, सप्लायर ने जो स्टेटमेंट दी, और आप टिक ऑफ कर दोगे भाई जो जो मैच कर रहा है। फिर आप क्या करोगे, देन यू विल अग्री ओपनिंग बैलेंस ऑन योर सप्लायर स्टेटमेंट एंड देन यू विल एलोकेट द पेमेंट्स टू इनवॉइसेस आफ्टर यू हैव अलाउड फॉर एनी क्रेडिट नोट्स। एंड फाइनली लास्ट स्टेप है कि ऑफकोर्स आपको आइडेंटिफाई करना होगा कोई भी जो डिफरेंसेस अराइज हो रहे हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि आप एक बिजनेस के साथ कुछ डीलिंग कर रहे हो कंपनी के साथ, तो मे बी आप उसके रिसीवेबल हो, वो आपका पेएबल है, ऐसा कुछ भी हो सकता है सिनेरियो, राइट। तो लेट्स से सी कंपनी ने हार्डवेयर खरीदा एक कंपनी से एंड उस कंपनी ने सी कंपनी से कुछ और खरीदा, तो रिसीवेबल्स लेजर में सी कंपनी जो है ओ करती है $130 और वो कंपनी सी कंपनी को अब ओ करती है $250। तो इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस इंडिविजुअल एंट्रीज आप एक कॉन्ट्रा एंट्री पास ऑफ कर सकते हो इन अग्रीमेंट टू ऑफसेट दोस बैलेंस। तो आप डेबिट कर दोगे पेबल्स को लेट्स से बाय 130 और क्रेडिट कर दोगे रिसीवेबल, तो आपका जो डेटर है आपने उसको कम कर दिया बाय 130 और आपने अगेन जो क्रेडिटर है उसको भी यहाँ देख सकते हो आप डेबिट कर रहे हैं बाय 130, तो आपने 130 का हटा दिया। अब जो फिर जो डिफरेंस बचेगा तो आप ऐसी सिमिलर एंट्री कर सकते हो, जैसे कि डेबिट किया हमने यहाँ पे पेबल्स कंट्रोल और क्रेडिट कर दिया रिसीवेबल्स बाय दैट $130। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं ऑन बैंक रिकंसिलिएशन। तो बैंक रिकंसिलिएशन एक कंपैरिजन है आपकी बैंक स्टेटमेंट का, जो कि बैंक चाहे तो मंथली भेज सकता है, वीकली या इवन डेली, विथ योर कैश बुक। तो कोई भी अगर डिफरेंस है बिटवीन योर बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस इन द कैश बुक, वो होंगे आपके एरर हो सकता है या फिर कोई टाइमिंग डिफरेंस हो सकता है, एंड ऑफकोर्स आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा और सेटिस्फैक्ट्रीली एक्सप्लेन करना होगा कि भाई ये डिफरेंसेस जो हो रहे हैं क्यों अराइज हो रहे हैं, क्या रीजन है। सो अ बैंक रिकंसिलिएशन इज नीडेड टू आइडेंटिफाई and account for the differences between your cash book and your bank statement. तो आप उन दोनों का reconciliation करते हो, देखते हो क्या differences हैं। What to look for जब आप एक reconciliation कर रहे हो। So जो cash book है और bank statement है that will rarely agree at a given day, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ differences, जरूरी नहीं है error हो, पर timing difference की वजह से ये match नहीं करते हैं। अगर आप रिकंसिलिएशन कर रहे हो तो आपको इन फॉलोइंग आइटम्स के बारे में ध्यान देखना होगा, क्या करेक्शंस या एडजस्टमेंट्स होंगे टू योर कैश बुक, जैसे कि पेमेंट्स मे बी मेड इनटू योर बैंक अकाउंट और फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, बट आपने इसको अभी तक कैश बुक में एंटर नहीं किया है बिकॉज स्टैंडिंग ऑर्डर पे थे, बैंक्स तो हो गए, मे बी आपने कोई डिविडेंड रिसीव किया जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चला गया, इसलिए आपने उसको एंटर नहीं किया कैश बुक में। तो ऑफकोर्स इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना होगा, करेक्शन या एडजस्टमेंट्स टू योर कैश बुक। अगर कोई भी बैंक के इंटरेस्ट है या फिर चार्जेस हैं जो कि बैंक ने तो चार्ज कर दिया लेकिन आपने अपनी कैश बुक में अभी तक नहीं डाला है, and errors in your cash book that needs to be corrected. Now your corrected cash book balance is the balance that is shown in your statement of financial position. वो आइटम्स जो कि रिकनसाइल करेंगे आपके करेक्टेड कैश बुक टू योर बैंक स्टेटमेंट, कोई भी चेक्स जो कि आपने पे ऑफ कर दिए बिजनेस ने, आर क्रेडिटेड इन योर कैश बुक, पर क्योंकि वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए इसलिए अभी तक आपके वो बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट में नहीं हो रहा है। नाउ दीज आर कॉमनली नोन एज, इन्हीं को हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स। और चेक्स जो कि रिसीव करता है बिजनेस विच इज पेड इन टू द बैंक एंड डेबिटेड इन द कैश बुक बट मे हैव नॉट बीन क्लियर्ड एंड एंटर्ड इन योर अकाउंट, इसलिए अभी तक वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहे, उनको आप कहते हो आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट। सो मेक श्योर योर अंडरस्टैंडिंग कि अनप्रेजेंटेड या आउटस्टैंडिंग चेक्स और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट दोनों चीज क्या है, एक में आपने पे किया, एक में आपने रिसीव किया। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स दैट हैव नॉट येट बीन क्लियर्ड। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं ऑन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है करेक्शन ऑफ एरर्स। तो क्या क्या टाइप के एरर्स हैं अकाउंटिंग में, तो हमने सेशन में भी ये डिटेल में कवर किया था, याद है ना कि 5 टाइप के एरर्स होते हैं इन योर अकाउंटिंग। कुछ आप जर्नल की मदद से करेक्ट कर सकते हो, जर्नल एंट्री पास करके, कुछ के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या टाइप के एरर्स होते हैं, एक है एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी कि इंस्टेड ऑफ लेट्स से रिकॉर्डिंग समथिंग एज, लेट्स से मुझे रिकॉर्ड करना था 1647 और मैंने रिकॉर्ड कर दिया 1674, तो यहाँ पे ये हो गया ट्रांसपोजिशन वाला, मैंने उल्टा कर दिया राइट, इसको 47 की जगह 74 कर दिया। एरर ऑफ ओमिशन, मैंने एंट्री ही नहीं डाली या एक साइड डालिए। एरर ऑफ प्रिंसिपल, मैंने एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल तोड़ दिया, मुझे लग रहा है मैंने सही एंट्री पास की बट एक्चुअली आई एम ब्रेकिंग अ रूल, मे बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने कैपिटल ट्रीट कर दिया और एनीथिंग लाइक दैट। एरर ऑफ कमीशन, मे बी मैंने कास्टिंग यानी कि टोटलिंग में गलती कर दिया, गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया। एंड फाइनली माई कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, ये वो एरर्स हैं कि मैंने एक जगह भी एरर किया और सिमिलर अमाउंट को दूसरी जगह भी एरर कर दिया, तो इन अ वे ये हो गए कॉम्पनसेट। टेक्निकली आपका ट्रायल बैलेंस इस केस में हो जाएगा टैली क्योंकि एरर्स हो गए कॉम्पनसेट, लेकिन एसेंशियली एरर्स फिर भी हैं आपके अभी भी अकाउंट्स में। Once an error has been detected, of course it has to be put right, सही तो आपको उसको करना ही होगा। अगर वो इन्वॉल्व करता है एक डबल एंट्री तो आप उसको जर्नल एंट्री के मदद से कर सकते हो, पर जब कोई एरर ब्रेक कर रहा है आपका रूल ऑफ डबल एंट्री तब आपको उसको करेक्शन करने के लिए सस्पेंस अकाउंट भी यूज करना होगा एज वेल एज योर जर्नल एंट्रीज। नाउ कौन से एरर्स हैं जो कि आप डिटेक्ट कर सकते हो बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस? एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आपने गलत वो रिकॉर्ड कर दिया राइट, तो आपको ट्रायल बैलेंस इस केस में टैली नहीं करेगा तो आप रिकॉर्ड पकड़ पाओगे एरर। एरर ऑफ ओमिशन, अगर वन साइडेड है, अगर पूरे ही अगर आपने एंट्री ओमिट कर दी तो ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा तो आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन अगर वन साइडेड है देन डेफिनेटली योर डेबिट्स विल नॉट इक्वल क्रेडिट एंड हेंस यू विल बी एबल टू फाइंड दैट एरर बाय द प्रिपरेशन ऑफ योर ट्रायल बैलेंस। एरर ऑफ कमीशन, अगेन अगर वन साइडेड है या फिर लेट्स से 2 डबल एंट्री कर दी या 2 क्रेडिट एंट्री कर दी, उस केस में भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं होगा टैली, इसलिए आप पकड़ पाओगे। अदर एरर्स में नॉट बी डिडक्टेड एज बाय एक्सट्रैक्टिंग अ ट्रायल बैलेंस, जैसे कि मैंने कहा अगर आपने पूरी ओमिशन कर दी एंट्री की या कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, लेकिन उसको आप स्पॉट कर सकते हो बाय यूजिंग योर अदर कंट्रोल्स, यानी कि बैंक कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन की मदद से। सस्पेंस अकाउंट, नाउ जैसे कि मैंने सेशंस में भी कहा था दैट सस्पेंस अकाउंट एक अकाउंट है जो कि शो करता है बैलेंस इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन योर डेबिट्स एंड क्रेडिट्स, यानी कि अगर ट्रायल बैलेंस में लेट्स से मेरा डेबिट्स आ रहे हैं 250 और क्रेडिट आ रहे हैं 300, तो ये जो डिफरेंस है ऑफ 50, तो मैं एक सस्पेंस अकाउंट खोलूंगी डेबिट साइड में विद दैट 50, तो फिर मेरा ट्रायल बैलेंस फॉर द टाइम बिंग तो हो जाएगा टैली। तो ये एक टेम्पररी अकाउंट है जो कि ओपन किया जाता है फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, एक तो कि भाई आपका ट्रायल बैलेंस आप ड्रॉप कर रहे हो, बैलेंस नहीं हो रहा है इसलिए आपने कर दिया, या फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बुक कीपर को पता ही नहीं है कि वो एंट्री आपको कहाँ करनी है, तो मे भी आपको पता है कि भाई मुझे कैश को लेट्स से डेबिट करना बट यू डोंट नो व्हाट आई हैव टू क्रेडिट, तो फॉर द टाइम बिंग आपने सस्पेंस अकाउंट को कर दिया। जैसे कि मैंने सेशन में भी कहा था, बार बार कहा था कि सस्पेंस अकाउंट्स आर टेम्पररी, नन शुड एग्जिस्ट जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ अप करने जा रहे हो, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू ड्रॉइंग अप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय दैट टाइम यू विल हैव टू क्लियर अप ऑल योर सस्पेंस अकाउंट, दे मस्ट बी क्लियर्ड एंड ऑल द करेक्शन एंट्रीज शुड बी मेड। जब आप फाइनल अकाउंट्स अपने ड्रॉ अप कर रहे हो उस टाइम तक आपको ये करना होगा कंप्लीट, अपने सस्पेंस अकाउंट्स को करेक्ट करके क्लोज ऑफ करना होगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हमने क्या पढ़ा था कि कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस के पास पूरे अपने सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते, कोई भी रीजन हो सकता है, मे बी प्रोप्राइटर है वो मेंटेन ही नहीं करता है फुल सेट ऑफ अकाउंट्स, या फिर बिजनेस अकाउंट्स आर एक्सीडेंटली लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। तो उस केसेस में जो अकाउंटिंग और बिजनेस इक्वेशन है वो काफी मदद आता है टू कैलकुलेट दैट मिसिंग फिगर। सो जो दो इक्वेशंस हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कई बार पढ़ा है, बहुत बार देखा है सेशन में, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दिस इज ऑल्सो योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वेशन, क्योंकि यही इसी से तो आपकी बैलेंस शीट टैली करती है। एंड ऑफ कोर्स द बिजनेस इक्वेशन, यानी कि आपके क्लोजिंग नेट एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं टू योर ओपनिंग नेट एसेट्स, प्लस जो आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, प्लस जो प्रॉफिट हुआ, माइनस अगर आपने कोई ड्रॉइंग्स की। ड्रॉइंग्स क्या होते हैं? रिमेंबर योर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि भाई पर्सनल ट्रांजैक्शंस ओनर के सेपरेट होंगे फ्रॉम द ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, वेदर और नॉट यूर अ सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस कॉन्सेप्ट विल स्टिल अप्लाई। सो क्या एडजस्टमेंट्स करने होंगे? अगर लेट्स से कोई रिसिप्ट्स हैं जो कि आपने सेट ऑफ कर दिया अगेंस्ट ड्रॉइंग, तो लेट्स से आपने पैसा रिसीव किया $600, ठीक है, अब ये आपने रिसीव किया फ्रॉम आपने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे, आपके पर्सनल, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये पैसा आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में आया, तब आप क्या एंट्री करोगे? डेबिट कैश एंड यू विल क्रेडिट द ड्रॉइंग्स। और पेमेंट्स अगर होते हैं तो आप चार्ज करते हो टू ड्रॉइंग्स, सो यू डेबिट योर ड्रॉइंग्स एंड यू क्रेडिट कैश। एक और सिचुएशन हो सकती है कि पैसा निकालने के बजाय ट्रेडर ने गुड्स निकाल लिए फ्रॉम इन्वेंट्री फॉर देयर पर्सनल यूज, उस केस में एंट्री क्या रहेगी? सिमिलर टू दिस, बट इंस्टेड ऑफ कैश ऑफ कोर्स आपको परचेजेस करना होगा, क्रेडिट। सो डेबिट ड्रॉइंग्स एंड क्रेडिट परचेजेस। नाउ ये जो वैल्यू होगी गुड की वो आप रिकॉर्ड करोगे एट द कॉस्ट टू बिजनेस एंड नॉट एट योर सेलिंग प्राइस, बट ऑब्वियस जो कॉस्ट आपको बिजनेस का पड़ा आप उसी पे रिकॉर्ड करोगे क्योंकि वही उसने ड्रॉ किया है। ऑलराइट, फिर हमने देखा था क्रेडिट सेल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल्स की कैसे आप ट्रेड रिसीवेबल्स के अगर आपको बैलेंसेस दिए आप क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हो। तो हमने कुछ फॉर्मुलाज देखे थे एंड लाइक आई हैड सेड इन द सेशन, मेक श्योर आपको ये फॉर्मुलाज याद हो, काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सो यू स्टार्ट विथ योर पेमेंट्स फ्रॉम योर ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि डेटर्स के जो पेमेंट्स हैं उसमें आप ऐड कर देते हो अपने क्लोजिंग बैलेंस, माइनस कर देते हो ओपनिंग बैलेंस, तो जो बचता है वो होती है क्रेडिट सेल्स इन द पीरियड। सिमिलरली परचेजेस और ट्रेड पेबल्स का फॉर्मूला है पेमेंट्स टू ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग लेस ओपनिंग, और आ जाता है परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड। एक और तरीका था, हमने देखा था परचेजेस कैलकुलेट करने का यूजिंग योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हम अभी तक क्या देखते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर मैंने आपको ये दे दिया, ये दे दिया, ये दिया, तो मैं ये भी तो निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ? ऐसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दूंगी अब क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस कर दूंगी ओपनिंग इन्वेंट्री, तो जो बचेगा वो होगा परचेजेस। नाउ दो डिफरेंट टर्म्स आपको एग्जाम में दी जा सकती हैं फॉर योर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। मे बी मार्कअप बोला है तो मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑफ योर कॉस्ट, और कभी मार्जिन बोला होता है, मार्जिन होता है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो अगर अब याद हो जब हम बोलते थे मार्कअप 20%, तो हम बेसिकली क्या करते थे? जो सेल प्राइस है उसको हम कर देते थे 120 और आपका प्रॉफिट जो था वो फिर उतना जाता था। लेकिन जब आप मार्जिन बोलते हो, अगर मैंने बोला मार्जिन है 20%, तो हम बोलते थे कि ओके सेल हुआ 100, मार्जिन है प्रॉफिट की 20, तो कॉस्ट हो गया मेरा अपने आप ही 80। तो इस हिसाब से इसको जब मैं माइनस करूंगी तो 20 ही मेरा मार्जिन आएगा। तो मार्कअप में आप ऐड कर देते हो अमाउंट और मार्जिन तो आप एज इट इज उसको ले लेते हो। इसके हमने कई क्वेश्चंस भी सेशन में देखे हैं, एमसीक्यूज भी देखे हैं और इस टॉपिक को समझते वक्त भी। ऑलराइट, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री जो कि डिस्ट्रॉय हो गई है या चुरा ली गई है या अदरवाइज इट हैज बीन लॉस्ट। तो अगर गुड्स आपके इंश्योर्ड नहीं थे तो भाई आपको बिजनेस को ही एक्सपेंस बेयर करना होगा, सो यूल डेबिट योर एक्सपेंसेस, आप आपको एडमिन एक्सपेंस में डाल सकते हो, किसी और एक्सपेंस में, एंड ऑफ कोर्स यू विल क्रेडिट योर कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन अगर यही गुड्स इंश्योर्ड थे तब आप नहीं सफर कर रहे हो एज अ लॉस, क्योंकि इंश्योरेंस आपको कर देगा पे बैक। सो यू विल डेबिट योर इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट एंड क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक बार जब इंश्योरेंस क्लेम आपका जो है पैसा आ जाता है, व्हेन द क्लेम इज पेड देन यू डेबिट द कैश, बिकॉज पैसा आ गया, एंड क्रेडिट दैट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट। फाइनली जब पैसा आ जाता है, सो फॉर कैश बुक कैश सेल्स निकालने के लिए भी हमने एक फॉर्मूला देखा था, जो भी रिसिप्ट्स बैंक है प्लस योर एक्सपेंसेस प्लस एनी कैश स्टोलन प्लस द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, उसमें से हटाते हो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और जो आता है वो होता है आपका कैश सेल्स इक्वल्स योर कैश सेल्स। All right, moving to introduction to company accounting, very important chapter. इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भाई अनलिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, यही चीज हमने सबसे पहले सेशंस में भी कवर की थी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है अगर बिजनेस रन ऑफ कर दिया, रन अप कर दिया अपने डेट से, यानी कि बैंक्रप्सी के वर्ज में आ गया या बैंक्रप्ट हो ही रहा है लेट्स से, तो प्रोप्राइटर्स विल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स, उनको पे करना पड़ेगा जो भी अनपेड डेट्स है, मे बी अपनी प्राइवेट पोजीशंस भी बेचनी पड़ेगी। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज का यही एक बेनिफिट है टू दी ओनर्स, जो मैक्सिमम अमाउंट आप लूज कर सकते हो एज एन ओनर्स इन केस ऑफ अ बैंक्रप्सी लेट्स से वुड बी द अमाउंट दैट यू हैड इन्वेस्टेड योर शेयर कैपिटल, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बट दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट। आप पर्सनली लायबल नहीं हो बाकी डेट्स के लिए। तो इसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट टर्म्स देखी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑथराइज यानी कि लीगल कैपिटल, ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कि कंपनी अलाउड होती है, एम्पावर्ड होती है कि वो इतना इशू कर सकती है। इसको आप चेंज कर सकते हो आगे जाके बाय योर अग्रीमेंट, चेंज बाय योर अग्रीमेंट, बट तब तक के लिए यही मैक्सिमम अमाउंट है। इशूड कैपिटल है जो पार अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कि आपने इशू कर दिया अपने शेयर होल्डर्स को। अगेन इशू कैपिटल ऑब्वियसली एक्सीड नहीं कर सकता आपका ऑथराइज कैपिटल। कॉल्ड आउट कैपिटल, ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरा जैसे $1 पावर वैल्यू थी तो मे बी यू जस्ट कॉलिंग अप फॉर 75 सेंट्स, तो वो हो जाएगा आपका कॉल्ड अप कैपिटल। और पे अप भी जरूरी नहीं है सबने सब पूरा पे कर दिया, तो जितना जिसने पे किया है वो टोटल हो जाएगा paid up capital. When your capital is called up, some shareholders might delay their payment. So paid up will be the amount of capital जो actually pay up हुआ गया है। All right, इसमें हमने पढ़ा था देन शेयर्स के बारे में, और सबसे पहले हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर्स। सो प्रेफरेंस शेयर्स कैरी करती हैं राइट टू अ फाइनल डिविडेंड जो कि आप एक्सप्रेस करते हो एज अ परसेंटेज ऑफ द पार वैल्यू। यूजली हम लिखते हैं 6% $1 प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहाँ पे आपके पास राइट है टू एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 6 सेंट्स, क्योंकि अगर 6% $1 का करो तो 6 सेंट्स ही होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड्स हैव प्रायोरिटी ओवर योर ऑर्डिनरी डिविडेंड्स। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रायोरिटी राइट टू रिटर्न ऑफ द कैपिटल ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। And if the company goes into liquidation, तब preference shares do not carry a right to vote. And if the preference shares accumulated, तो priority right है आपके पास अगर company liquidate हो रही है तो over your ordinary shares आपको पहले मिलेगा जो भी payment करना है, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो भी वोटिंग राइट है वो कैरी नहीं करते। और अगर क्यूमुलेटिव हैं तो पहले आपको पे अप करना पड़ेगा कोई भी डिविडेंड जो आपने पहले के साल का नहीं दिया बिफोर यू कैन मूव ऑन टू योर ऑर्डिनरी शेयर्स। इसमें भी दो टाइप के हमने प्रेफरेंस शेयर्स देखे थे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कंपनी जो है रिडीम यानी कि रीपे कर देगी उसकी नॉमिनल वैल्यू, इसलिए आप इनको एज लोन ट्रीट करते हो, क्योंकि नवे आपने करते हो कि भाई मैंने चलो उससे लोन लिया है, इसलिए दैट ट्रीटेड एज लोन एंड यू विल इंक्लूड दैम एज नॉन करेंट लायबिलिटीज इन योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपके नॉर्मल शेयर्स की तरह होंगे, इसलिए वो फॉर्म पार्ट करते हैं ऑफ योर इक्विटी, और उनका जो डिविडेंड है वो आप एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ट्रीट करते हो। ऑलराइट, आ जाते हैं सबसे पॉपुलर यानी कि ऑर्डिनरी शेयर्स में जो कि कैरी नॉर्मली कैरी करेंगे वोटिंग राइट्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर दस इफेक्टिवली योर ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड क्योंकि दे ओन इक्विटी ऑफ द बिजनेस इसलिए उनको कई बार कहा जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स भी। ऑल राइट, लोन नोट्स, लिमिटेड कंपनीज हो सकता है लोन नोट्स भी इशू करें जो कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, एंड क्योंकि लोन नोट्स कुछ कंट्रीज में इवन लोन कैपिटल के नाम के जाना जाता है, क्योंकि इट इज अ मीन्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। जैसे आप इशू करते हो शेयर्स टू रेज फाइनेंस, वैसे ही आपने लोन नोट्स इशू करके लोन कैपिटल रेज किया है। रिजर्व्स, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स जो कि ओन्ड है बाय शेयर होल्डर्स, उनको आप कहते हो कलेक्टिविटी योर शेयर होल्डर्स इक्विटी। ना शेयर होल्डर्स इक्विटी में आ जाता है आपका पार वैल्यू ऑफ इशूड कैपिटल, कोई भी अदर इक्विटी जैसे कि कैपिटल पेड अप इन एक्सेस ऑफ योर पार वैल्यू यानी कि शेयर प्रीमियम। तो लेट्स से पार वैल्यू थी 1 पर एट द एंड पेमेंट आपको मिला 1.2, तो ये जो 20 सेंट्स हैं वो हो गए आपके शेयर प्रीमियम। रिवैल्यूएशन सरप्लस, रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सारा ही हमने देखा था और अभी भी देखेंगे। शेयर प्रीमियम अकाउंट, अगेन डिफरेंस बिटवीन योर इश्यू प्राइस ऑफ द शेयर एंड इट्स पार वैल्यू, लेकिन शेयर प्रीमियम से आप कभी भी डिविडेंड पे ऑफ नहीं कर सकते हो, इट इज अ कैपिटल रिजर्व। रिवैल्यूएशन सरप्लस, जब भी रिवैल्यूएशन होता है राइट आपके एसेट्स में, अगर कोई नॉन करेंट एसेट्स में अपवर्ड रिवैल्यूएशन होता है तो आपने बनाया होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व। सरप्लस, जो रिवाल्यूएशन सरप्लस रिजर्व, जो कि एक नॉन डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है, यानी कि इससे भी आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो, ये भी एक कैपिटल रिजर्व है सिमिलर टू योर शेयर प्रीमियम। देन हमने बात की थी भाई कितने टाइप के रिजर्व्स होते हैं, दो टाइप के होते हैं, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो रिजर्व है जो कि एक कंपनी इज रिक्वायर्ड बाय लॉ कि वो रखे और उससे आप डिविडेंड्स नहीं पे आउट कर सकते हो, जैसे कि आप शेयर प्रीमियम से आप डिविडेंड्स नहीं पे आउट कर सकते हो। नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स वो रिजर्व्स है जो कि कंसिस्ट करते हो ऑफ प्रॉफिट, जिससे आप डिविडेंड्स बेशक पे कर सकते हो अगर आपका मन है, कंपनी का मन है तो। डिविडेंड्स क्या होते हैं, दे आर अप्रोप्रिएशंस ऑफ योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक बार प्रॉफिट से आपने टैक्स दे दिया तो जो बचता है उसको आप चाहो तो एज डिविडेंड्स पे आउट बेशक कर सकते हो। मैनी कंपनीज पे डिविडेंड्स दो स्टेजेस में, तो यूजली कंपनीज जो हैं इन दो स्टेजेस में डिविडेंड्स को पे करती हैं। पहले तो मिड ईयर या आफ्टर द हाफ ईयर फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर नोन, तो वो हो जाता है आपका इंटरिम डिविडेंड, एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी एक फर्दर फाइनल डिविडेंड भी प्रपोज कर सकती है। टोटल डिविडेंड जो आप अपने बैलेंस शीट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, टोटल डिविडेंड जो कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करोगे will be the for the year is the sum of the dividend जो कि आपने actually pay किया है, not just propose। अगर मैंने सिर्फ propose किया और pay नहीं किया और फिर financial year end हो गया तो मैं statement में वो नहीं डालूंगी, वो बस मैं notes में mention कर दूंगी। Retained earnings again बहुत ही significant reserve है। Retained earnings जैसे नाम से suggest हो रहा है कि भाई वो earnings जिसको आप retain कर लेते हो, कई बार जो आप profit बनाते हो पूरा का पूरा तो आप डिविडेंड्स नहीं दे देते हो, राइट, कुछ प्रॉफिट आप रख लेते हो कि भाई बिजनेस में फ्यूचर एक्सपेंशन है, कोई भी चीज के लिए आप इसको रिटेन अर्निंग्स रख लेते हो। कई नाम है इसके, ये सारे नाम है रेवेन्यू रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स ऑफ कोर्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जो कि कंपनी ने अर्न किया लेकिन उसको डिविडेंड्स या टैक्स के तौर पर पे नहीं किया है। एंड अगर एक कंपनी अर्न कर रही है प्रॉफिट यू नो कंटिन्यूसली, देन ये जनरली रिजर्व बढ़ता ही जाता है फ्रॉम ईयर टू ईयर। देन हमने देखी थी दो टाइप के इश्यूज, एक था बोनस और एक था राइट्स इश्यूज, और इस पे हमने सॉल्व किए थे कई क्वेश्चंस भी। सबसे पहले आता है आपका बोनस इशू। अ कंपनी में विश टू इंक्रीज इट्स शेयर कैपिटल विदाउट विशिंग टू रेज एडिशनल फाइनेंस, मतलब मुझे अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना है लेकिन मुझे और इशू नहीं करने शेयर्स, तब मैं कर सकती हूँ बोनस इशू। इस केस में मेरा शेयर कैपिटल बढ़ जाता है लेकिन मैं किसी और अकाउंट से, चाहे वो शेयर प्रीमियम होंगे, रिटेन अर्निंग, उससे रीक्लासीफाई करती हूँ। सो इट इज जस्ट अ पेपर एक्सरसाइज जहां मैं रीक्लासीफाई करूँ। एक्चुअली क्या मैं कोई शेयर इशू कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज प्योरली अ पेपर एक्सरसाइज जहां पे आप कोई नए फंड्स नहीं कर रहे हो रे। सच अ रीक्लासिफिकेशन विल इंक्रीज योर कैपिटल बेस और आपका जो है शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। राइट्स इशू में आप हाउएवर एक्चुअली इशू करते हो शेयर्स फॉर कैश, तो आपका शेयर कैपिटल तो बढ़ता ही है और अगर प्रीमियम पे करते हो तो वो भी बढ़ता है। तो राइट्स आर ऑफर्ड टू योर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, बेनिफिशियल फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जो कि यूजली एक डिस्काउंट पे उनको मिल जाता है टू द करंट मार्केट प्राइस। ऑल राइट, अब हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर आवर कंपनीज। तो IAS 1 जो है विच इज योर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग इट गिव्स गाइडेंस ऑन हाउ आइटम शुड बी प्रेजेंटेड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक कंप्लीट सेट ऑफ, जब हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें क्या क्या आ जाता है? एक तो आ जाती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑल्सो नोन एज योर बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स, जो कि इंक्लूड करेंगे ऑफकोर्स एनी समरी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। IFRS 15 which was revenue from contract with customers, ये हमें बहुत ही ब्रीफली टच अपॉन किया है इस स्टैंडर्ड के बारे में इन दिस सब्जेक्ट। बेसिकली IFRS 15 इज कंसर्न विद क्या नेचर है, अमाउंट है, टाइमिंग होगा ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ योर रेवेन्यू एंड कैश फ्लोज। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर अराइज होंगे जब आप सेल कर रहे हो कोई गुड या अगर आपने कोई सर्विस दी है उसको। तो एज पर योर स्टैंडर्ड IFRS 15 डेफिनेशन क्या है? रेवेन्यू इज द इनकम विच इज अराइजिंग इन योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एन एंटिटीज एक्टिविटीज, जैसे कि कोई सेल्स या फीस। इनकम है इंक्रीज इन योर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है एक अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज जो कि क्रिएट करेगा कोई भी एनफोर्सिबल राइट्स या कोई ऑब्लिगेशन कि आपको ये चीज करनी है। कस्टमर इज अ पार्टी दैट हैज कॉन्ट्रैक्टेड विद एन एंटिटी टू ऑब्टेन दोज गुड्स एंड सर्विसेज। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक प्रॉमिस है इन अ कॉन्ट्रैक्ट द कस्टमर कि आप ये चीज करके दोगे, ठीक है। ट्रांजैक्शन प्राइस है अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन जो कि एंटिटी एक्सपेक्ट कर सके इतना उसको मिलेगा। तो IFRS 15 जो हमने पढ़ा उसका हमें यूज बस इस कैश सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड में ही है, कैश सेटलमेंट डिस्काउंट अलाउड में। कि यहां पे एक आ जाता है वेरिएबल कंसिडरेशन, वेरिएबल एलिमेंट ऑफ अ पेमेंट टू अ बिजनेस एक्सपेक्ट टू रिसीव फॉर अ सेल। तो आपको पता नहीं है अभी कि वो कैश सेटलमेंट डिस्काउंट होगा नहीं होगा, इसलिए ये है एक वेरिएबल एलिमेंट यानी कि वेरिएबल कंसिडरेशन, जैसे कि हम आईएफआरएस 15 में कहते हैं। अगर कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, आप करते हो कि भाई कस्टमर ले लेगा डिस्काउंट, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा है डिस्काउंट को आप डिडक्ट कर दोगे फ्रॉम रेवेन्यू जब आप रिकॉर्ड करो रेवेन्यू, और अगर उसने आगे जाके नहीं लिया तो उस डिस्काउंट को आप फिर रिकॉर्ड कर सकते हो एज रेवेन्यू, क्योंकि एक वेरिएबल एलिमेंट है इस ट्रांजैक्शन का, आपको पता नहीं है। अगर आपको लगता है कस्टमर नहीं लेगा तो आप फुल अकाउंट को रिकॉर्ड कर लो एज रेवेन्यू, पर आगे जाके उससे ले लिया तो उस डिस्काउंट अमाउंट से उतना रेवेन्यू को कम कर दो। क्योंकि ये वेरिएबल एलिमेंट है इसलिए ये आईएफआरएस 15 का हमने पढ़ा, बिकॉज आईएफआरएस 15 में वेरिएबल कंसिडरेशन के बारे में हम देखते हैं। सो योर की प्रिंसिपल्स ऑफ योर आईएफआरएस 15 हैं कि भाई ये 5 स्टेप मॉडल भी कहते हैं फॉर योर आईएफआरएस 15 की। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है कस्टमर के साथ, फिर आप आइडेंटिफाई करोगे क्या डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है और क्या आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है, फिर जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको आप एलोकेट करोगे इन डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को, और आप रिकॉग्नाइज करते जाओगे रेवेन्यू जब एंटिटी जो है सैटिस्फाई करेगी इन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस को। आईएएस 10 जो कि है इवेंट्स आफ्टर the reporting period, so IAS 10 is events after your reporting period। ये standard बताता है कि events after your reporting period कोई भी event अगर हो सकता है चाहे वो favorable हो या unfavorable हो between कि आपकी reporting period और the dates आपने ये statements जो है authorize हो गई। let's say मेरा year end 31st December, ठीक है, और मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ऑथराइज करूंगी फाइनली इशू, एकदम मेरा जो डेट है कि भाई मैं कब तक उसको फाइनली ऑथराइज कर दूं, लेट्स से वो है 31 जन, तो मेरे पास 1 महीना है अभी। तो इस पीरियड में, ठीक है, कुछ भी अगर होता है जो भी मेरे रिपोर्टिंग डेट के बाद हो रहा है वो हो गए इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, बट बिफोर दे आर बीइंग ऑथराइज फॉर इशू। तो या तो कुछ ऐसा होगा जिसके लिए मुझे एडजस्ट करना होगा, तो उनको मैं कहूँगी फिर एडजस्टिंग इवेंट्स एंड इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, जो कि एविडेंस प्रोवाइड करता है कि भाई वो कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी एट रिपोर्टिंग डेट, तो आपको जाके एडजस्ट करना होगा। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स बोलते हैं कि भाई ये कंडीशंस आई हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो इसको आपको अभी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो एन एंटिटी शैल नॉट एडजस्ट द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू रिफ्लेक्ट नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स आफ्टर योर रिपोर्टिंग पीरियड, लेकिन उनको आप डिस्क्लोज बेशक करोगे अपने नोट्स में, ठीक है। Events which do not affect the situation at the reporting date should not be adjusted, but you will disclose them कि भाई ये non-adjusting events ऐसा ऐसा हुआ है। Dividends जो कि आपने propose कर दिए हैं या declare कर दिए हैं after the end of reporting period, but before your financial statement authorized, उसको आप नहीं करोगे recognize as a liability, but simply करोगे disclose, क्योंकि आपने अभी तक pay नहीं किया है, बस propose या declare किया है। IAS 7 जो कि है आपका statement of cash flows। Statement of cash flows are a useful addition to the financial statements of a company because जो accounting profit होता है वो ही सिर्फ indicator नहीं होता है performance का। जो statement of cash flows है वो concentrate करती हैं कि क्या source है और कैसे आप cash use करते हो, इसलिए ये बन जाता है एक important और useful indicator कि company की liquidity और solvency कैसी है। सो अब चलते हैं हम प्रेजेंटेशन की ओर कि आप कैसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को करते हैं प्रेजेंट। तो आईएएस 7 जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम यूजुअली क्लासिफाई करते हैं इस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को 3 एक्टिविटीज़ में। एक हो जाता है हमारी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। यही हमने सेशन में भी कवर किया था जहां हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो है की पार्ट बन जाते हैं आपकी कैश फ्लोज का, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का, क्योंकि यही वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि बेसिकली दिखा रही हैं कि आप कैसे जनरेट कर रहे हो कैश फ्रॉम योर ऑपरेशन। It is these operating cash flows which must in the end pay for all your cash outflows। तो यही जो activities, इससे जो आपको cash flows बन रहे हैं यही support करता है आपके cash flows, इसी से आप pay करते हो वो सारी चीज़ें जैसे कि अपना dividends हो गए या interest जो आप pay करते हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये कैश फ्लोज जो क्लासीफाई होते हैं इस हेडिंग में वो शो करते हैं कि क्या एक्सटेंट है टू विच योर न्यू इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स जो है जनरेट करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज। देन आ जाता है तीसरा जो कि है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें आप बताते हो क्या शेयर ऑफ कैश है विच द एंटिटीज कैपिटल प्रोवाइडर हैव क्लेम ड्यूरिंग द पीरियड एंड दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ लाइकली फ्यूचर, क्या आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स होंगे या डिविडेंड के पेमेंट्स होंगे। ना जो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम रिपोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, जैसे कि हमने सेशन में भी पढ़ा था कि वो दो तरीके होते हैं, आप दो मेथड से कर सकते हो कैलकुलेट, एक तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। दोनों ही मेथड हमने देखे थे, डायरेक्ट मेथड का ब्रीफ देखा था कि कैसे शुरू होता है, और यूजली कॉमन ज़्यादा एग्जामिनेबल इनडायरेक्ट मेथड होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मेथड भी क्या होता है। तो डायरेक्ट मेथड में यू डिस्क्लोज मेजर क्लासेस ऑफ योर ग्रॉस कैश रिसिप्ट्स एंड योर ग्रॉस कैश, जो भी आप पेमेंट्स कर रहे हो। इनडायरेक्ट मेथड में हाउएवर यू स्टार्ट विथ योर नेट प्रॉफिट और लॉस और फिर आप करते हो एडजस्टमेंट्स। तो एक प्रोफोमा दिया है इनडायरेक्ट मेथड का, तो आपने स्टार्ट किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस से, ये आपको ऑफकोर्स आपके पीएनएल से मिल जाएगा। फिर आप ऐड करोगे डिप्रिसिएशन। हम ऐड क्यों करें? क्योंकि ये है नॉन कैश एक्सपेंस, तो यही हमने एक्सप्लेन किया था आपको सेशन में भी, क्योंकि एक नॉन कैश एक्सपेंस है ये, इसलिए आप इसको ऐड बैक करो टू द प्रॉफिट, क्योंकि जब आपने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था आपने किया था इसको सब्ट्रैक्ट, लेकिन अब आप इसको करोगे ऐड बैक। देन इंटरेस्ट एक्सपेंस, लॉस या प्रॉफिट ऑन योर सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, एंड देन आप इंक्रीज डिक्रीज इन्वेंट्रीज हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, पेएबल्स में डालोगे। एंड सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है, अगर इंक्रीज हो रहा है इन्वेंट्रीज में, मतलब आपने ज़्यादा इन्वेंट्रीज खरीदी तो कैश गया होगा, इसलिए इंक्रीज आप दिखा रहे हो नेगेटिव में और डिक्रीज पॉजिटिव में। एंड सिमिलरली अगर पेएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो अगेन कैश ज़्यादा मतलब बढ़ गया है, आपने अभी तक पे नहीं किया अपने क्रेडिटर को, तो कैश आपके पास है, पर आप डिक्रीज हो रहे हैं पेएबल, जैसे जैसे आपके क्रेडिटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब आप पे करते जा रहे हो, कैश कम होता जा रहा है, इसलिए वो होता है नेगेटिव में। देन आ जाता है आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें से आप हटा देते हो जो भी आपने इंटरेस्ट किया है पे, और जो भी आपने इनकम टैक्स किया है पे, एंड फाइनली आपको मिल जाता है योर नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑलराइट, अब आ जाते हैं टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू योर कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आपके ग्रुप अकाउंट्स। एंड जैसे कि मैंने कहा है, ग्रुप अकाउंट्स से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, चाहे वो एमसीक्यू में आए या सेक्शन बी में आए। तो ग्रुप क्या होता है? जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज, बड़ी कंपनीज में एक कंपनी होती है जो कि ओन कंट्रोल करती है ना वे कई सारी छोटी कंपनीज को या कई सारी नॉर्मल कंपनीज को भी। तो एक कंपनी है, ये सेंट्रल कंपनी है जो कंट्रोल कर रही है इन बाकी कंपनीज को, तो टुगेदर ये साथ में मिलके बन जाएगा आपका ग्रुप, ये साथ में हो गया आपका एक ग्रुप, जहाँ पे जो कंपनी कंट्रोल करती है वो हो जाती है पेरेंट, और जो बाकी कंपनीज हैं वो हो जाती है उसकी सब्सिडरीज। शायद 100% कंट्रोल कर रही है किसी कंपनी को, या शायद 70% कंट्रोल कर रही है, वो डिपेंड करता है। इन एनी केस, ये आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके कंसोलिडेट करते हो, आप पूरा लेते हो एंड उसको आप प्रेजेंट करते हो एज इफ ये थी एक सिंगल एंटिटी, एज अ ग्रुप। कंसोलिडेशन मीन्स preparing the results, your assets and liabilities of a group of companies as if they were one company, मतलब वो एक ही कंपनी थी, इस तरह से आप उसको प्रेजेंट करते हो। जैसे कि मैंने कहा, सेंट्रल कंपनी है पेरेंट, और जो इसको वो ओन कर रही है वो सारी कंपनीज हो गई आपकी सब्सिडरीज। ना कंसोलिडेशन में इन्वॉल्व क्या होता है, क्या है कंसोलिडेशन? हमने क्या पढ़ा था सेशन में कि भाई सबसे पहले यू आर एडिंग टुगेदर, तो आप उन सब्सिडरीज के जो एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है, उनको अपने पेरेंट कंपनी के जो है उसके साथ ऐड कर देते हो। फिर आपको कैंसिल आउट करना होगा वो लाइक आइटम जो कि इंटरनल है टू द ग्रुप, जैसे कि हमने देखा था इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आपने ही सेल किया है अपनी सब्सिडरी को तो वो ट्रांजैक्शंस आपको हटाने होंगे। फिर आप कंसोलिडेट करोगे कि एज एफ आप वो करते हो एवरीथिंग, यानी कि सब्सिडरी को भले आप 80% लेट्स से कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन उसका एसेट अगर 100 मिलियन है तो आप पूरा वो 100 मिलियन डालते हो। यू कंसोलिडेट एज इफ यू ओन एवरीथिंग एंड देन यू शो टू द एक्सटेंट यू विच डू नॉट ओन एवरीथिंग, यानी कि जो 20% आप ओन नहीं करते हो वो आप दिखाते हो बाय NCI, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की तरह, जस्ट इन अ लाइन आइटम, जो कि हमने देखा था अपने सेशंस में। सो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कब कहा जाता है कि कंट्रोल है? यूजली जब आपके पास वोटिंग पावर है, जो कि एस्टैब्लिश हो जाती है यूजली जब 50% या मोर आप होल्ड कर रहे हो, लेकिन कई केसेस में अगर आप 50% से कम भी होल्ड कर रहे हो, आप कह सकते हो कि आप उस एंटिटी पे, उस कंपनी पे आपका कंट्रोल है और वो आपकी सब्सिडी बन सकती है। क्या क्राइटेरियाज हैं? अगर parent company has more than 50% of the voting rights by virtue of agreement with other investors, या फिर the parent has power to govern the financial and operating policies, या parent has the power to appoint or remove majority of directors. तो आपके पास ये option है कि आप majority of directors को appoint या remove कर सकते हो. So इस case में अगर पेरेंट ओन 50% से कम भी कर रही है तब भी माना जाएगा कि कंट्रोल है, क्योंकि आप मेजॉरिटी को अपॉइंट या रिमूव कर सकते हो. या फिर अगर पेरेंट के पास पावर टू कास्ट अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स एट मीटिंग्स ऑफ बोर्ड टू डायरेक्टर. सो इन सभी केसेस में अगर आपके पास 50% से कम भी हुआ तब भी आप बोल सकते हो कि कंट्रोल हो गया है एस्टैब्लिश. आ जाते हैं हम अब एसोसिएट्स और ट्रेड इन्वेस्टमेंट में. ना एसोसिएट जो है नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन सब्सिडरी से कम है. क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाता है आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. याद है मैंने स्ट्रेस किया था सेशन में भी कि सब्सिडरी के वक्त कंट्रोल, एसोसिएट के वक्त सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. अगर आपके पास पावर है टू पार्टिसिपेट जो कि होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो वो आपकी हो जाएगी एसोसिएट बट नॉट द कंट्रोल. Associate an entity over which an investor will have significant influence. If you have control over that entity, then it's no longer an associate; it's a subsidiary. But when you have significant influence, वो बन जाती है आपकी associate. Now, significant influence क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि आपके पास पावर है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हो फाइनेंशियल में, ऑपरेटिंग पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है? तो ये सब जो है अगर आप कर पा रहे हो तो आपके पास है significant influence. Usually, जैसे कंट्रोल काम किए थे 50% और मोर, वैसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए एज पर IAS 20 यूजली होता है 20% और मोर. लेकिन अगर आपके 20% से थोड़ा कम है फिर भी आप बोल सकते हो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसर वो आपकी एसोसिएट है, अगर सिमिलरली आपने कुछ कंडीशंस कर ली सैटिस्फाई. ये क्या कंडीशंस है कि आपके पास रिप्रेजेंटेशन है ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टी, पार्टिसिपेशन आप कर सकते हो इन योर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस. इन सब के बाद ये सब अगर इसमें से कोई भी आप सेटिस्फाई कर पा रहे हो देन एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आप कह रहे हो कि है. मटीरियल ट्रांजैक्शंस हैं बिटवीन बोथ द पार्टीज, इंटरचेंज है ऑफ मैनेजमेंट पर्सनल, या फिर प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. सो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैन बी प्रिज्यूम नॉट टू एग्जिस्ट इफ द इन्वेस्टर होल्ड लेस देन 20% अनलेस आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इट विद दीज. वैसे हम कहते हैं 20% और मोर में ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन 20% से कम में भी हो सकता है अगर आप इसमें से कोई सेटिस्फाई कर पा रहे हो कंडीशन. ऑलराइट, नाउ एसोसिएट्स के लिए हम यूज करते हैं इक्विटी मेथड, यानी कि IAS 20 रिक्वायर करता है कि आप यूज करो इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स. ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? ना ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो आपके सिंपल इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जैसे मैं एक कंपनी हूँ, दूसरे कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया, शेयर्स खरीदे, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ मेरा वेल्थ बढ़ाने के लिए. कोई और पर्पस नहीं था कि मुझे उसको कंट्रोल करना है, इन्फ्लुएंस करना है. तो जब उस पर्पस के लिए जब मैं करती हूँ तो वो होता है मेरा सिंपल ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स. तो क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली ये मेरे नॉन करंट एसेट्स में इन माई कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट आ सकता है ग्रुप के. तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स आप जो कर रहे हो जस्ट फॉर अक्रिएशन ऑफ वेल्थ वो आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट की तरह ही आएगा. ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं टू सी द कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो इसके क्या कॉन्सोलिडेशन प्रोसीजर है पहले हम वो समझ लेते हैं. सबसे पहले क्या है, दो मेन चीज़ें कि आपको पहले तो कैंसिल आउट करना होगा वो आइटम्स जो कि अपियर कर रहे हैं एसेट एक कंपनी के और लाइबिलिटी दूसरे, क्योंकि जैसे कि हमने कहा है व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग एज अ ग्रुप आप दिखा रहे हो कि एज इफ यू आर वन एंटिटी. अगर आपने इंटरनली कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं तो भाई वो आपने आउटसाइड के साथ तो नहीं किए, आपने अंदर ही अंदर अगर कर लिए तो आप कैसे उसको जब आप एज ए वन कंपनी प्रेजेंट करते हो तो इट विल नॉट बी फेयर ना कि आप उसको दिखा रहे हो. तो अगर आपने अपने बीच में कोई भी ट्रांजैक्शंस किए हैं जिससे एक एसेट आ रहा है या लायबिलिटी मतलब रिसीवेबल एक खड़ा हो रहा है और एक पेएबल, तो आपको इन सबको कैंसिल आउट करना होगा और फिर आप ऐड टुगेदर करोगे ऑल द अनकैंसल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ लाइन बाय लाइन बेसिस. फिर जो जो आपके अनकैंसल्ड है उनको आप सिंपली ऐड ऑन कर जाओ लाइन बाय लाइन बेसिस पे. ऑलराइट, गुडविल जो कि अराइज होता है ऑन कंसोलिडेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. कई बार ऐसा है कि इस NCI का कैलकुलेशन हो गया या गुडविल का या रिटेन अर्निंग्स का पार्ट बी के सेक्शन बी के पार्ट में आ सकता है. गुडविल अराइजिंग ऑन कंसीडरेशन ऑफ कोर्स आप रिकॉग्नाइज करते हो एज एन इंटेंजिबल एसेट इन योर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. प्रोफोर्मा क्या है ये दिया है, इंपॉर्टेंट कि आपको याद रहे, पर जैसे कि मैंने कहा है क्योंकि CBE एग्जाम है तो यूजली परफॉर्मेंस दिया जाता है, आपको बस ऑब्वियसली ये नंबर्स फिल ऑन करने होंगे, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आपको पता हो कैसे क्या परफॉर्म है, कैसे फ्लो होता है, बिकॉज आगे आपको इनको बनाना ही होगा। सो गुडविल सबसे पहले आप देखते हो क्या कंसिडरेशन आपने ट्रांसफर किया, जिसमें आप ऐड कर दोगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआईड एक्विजिशन, फिर आप माइनस करोगे सारे आइडेंटिफाइबल एसेट्स और लाइब्रेरी जो कि आपने एक्वायर किए। तो ये सब्सिडी का आपका ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गया, शेयर प्रीमियम हो गया, रिटेन अर्निंग्स हो गए उसके एक्विजिशन पे, और फेयर वैल्यू अगर कोई एडजस्टमेंट्स है उनको जब आप माइनस करते हो इन सबसे तो आपको फाइनली मिलता है गुडविल जो कि अराइज हो रहा है ऑन एक्विजिशन। रिटेन अर्निंग्स प्रोफोर्मा वर्किंग आप इस तरह से बना सकते हो। तो रिटेन अर्निंग्स यूजली आप पेरेंट कंपनी और सब्सिडी लोगे, पर क्वेश्चन आपको दोनों की रिटेन अर्निंग्स दी होंगी। फिर आप लोगे प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग सब्सिडरी की, और अगर कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है जो कि एट्रीब्यूटेबल टू पी है तो उसके एडजस्टमेंट्स जो हैं इधर आ जाते हैं। अगर आपको याद हो हम एक एंट्री पास करते थे ग्रुप रिजर्व्स डेबिट टू ग्रुप इन्वेंट्री, जब हमारा पीयूपी यानी कि प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट होता है तो वो जो ग्रुप रिजर्व्स है उसका जो पार्ट है वो इधर आता है आपका अनरियलाइज प्रॉफिट, अगर वो पेरेंट से रिलेटेड है। तो फिर आपने प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स डाल दी तो आपको आ गया ये। इस पे अगर आप 100% ओन करो तो ठीक है पूरा का पूरा ले लो, लेकिन आप जितना ओन करो आप उतना परसेंटेज मल्टीप्लाई करोगे। ग्रुप का शेयर क्या है पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का, कि ये तो आपकी पोस्ट एक्विजिशन हो गया, आपकी जो अर्निंग्स थी उसमें से अगर आपने प्री हटा दिया तो पोस्ट ही बची, तो उस पर अगर आप 80% होल्ड करो तो इंटू 80 कर दोगे, फिर वो आएगा जो भी ऐड करके, ये है आपकी ग्रुप की रिटेन अर्निंग्स। तो आप सिर्फ जो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स है आपकी सब्सिडरी की सिर्फ वो लेते हो। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यानी कि एनसीआई, ये शो करता है द एक्सटेंट टू विच जो नेट एसेट्स है विच इज कंट्रोल्ड बाय द ग्रुप आर ओन बाय अदर पार्टीज। अगर आप 80% होल्ड करो तो 20% कोई और होल्ड करे, वो हो गए आपके एनसीआई। वो एक कंपनी हो सकती है, दो कंपनी हो सकती है, पर वो पूरा का पूरा हम उसको मानते हैं एनसीआई। एनसीआई को आप दिखाते हो इक्विटी सेक्शन ऑफ योर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट में, and it is included in your consolidated financial statements at fair value plus the NCI shares of post acquisition returns या कोई भी other reserves। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने ग्रुप में आपने सेल किया अपनी सब्सिडरी को कुछ, और आपने सेल किया उसको लेट्स से एक प्रॉफिट पे, तो आपने वो प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया, और वो सब्सिडरी के पास भी एट द एंड उसने जिस कॉस्ट पे खरीदा उस कॉस्ट पे वो इन्वेंट्री पे उसने रिकॉर्ड किया, और इन्वेंट्री लेट्स से ईयर एंड पे वो बचती भी है। तो क्योंकि आपने किसी आउटसाइडर को नहीं भेजा है, तो अगर आप ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देखो तो कोई सेल नहीं हुई है, तो आपने जो प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है आपको वो नहीं रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की वो एट कॉस्ट होनी चाहिए टू द ग्रुप, नॉट जो सब्सिडरी का था। तो उन केसेस में जो इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग होती है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा आपने अगर आउटसाइड वर्ल्ड को किया तो बेशक आप प्रॉफिट रिकॉर्ड करो, लेकिन अपने बीच में अगर किया है तो आपने इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स में आपने रिकॉर्ड कर लिया इन्वेंट्री भी सब्सिडी के कॉस्ट पे, प्रॉफिट भी जो बना, लेकिन जब आप कॉन्सोलिडेट करते हो एक ग्रुप बनाते हो तब आपको इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग के ट्रांजैक्शंस को हटाना होगा। लॉजिक मैंने बता दिया है क्यों, क्योंकि ग्रुप अगर आप पर्सपेक्टिव से देखो आउटसाइड कोई सेल नहीं हुआ है तो कोई प्रॉफिट नहीं बना है, और जो इन्वेंट्री है वो आपको मेजर करना चाहिए जो कॉस्ट था टू द ग्रुप। This means that in a consolidated statement of balance sheet, only your profits recognized should be those जो कि आपने earn किया when you're selling it to the outsiders and inventory cost to the group, जैसे कि कहा। इसीलिए आपको एक adjustment entry करना चाहिए, क्योंकि individual statements में तो आपने already चीज record कर ली which makes sense, पर जब आप consolidate कर रहे हो उसको cancel out करने के लिए हम ये एक entry pass करते हैं, हम डेबिट करते हैं ग्रुप रिजर्व्स और क्रेडिट करते हैं ग्रुप इन्वेंट्री। नाउ दिस इज विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो कि अनरियलाइज्ड है बाय द ग्रुप। दिस इज नोन एज योर प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड इट इज अ प्रोविजन अगेंस्ट योर इन्वेंट्री फॉर द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो कि आपने जनरेट किया है थ्रू दिस सेल। अगर एनसीआई है बेसिकली, मतलब अगर सब्सिडरी पेरेंट को सेल कर दिया, अगर पेरेंट सब्सिडरी को सेल करे आप सीधा वो एंट्री कर दो, लेकिन अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को सेल किया और पीयूपी है तब एनसीआई का भी पार्ट आएगा, क्योंकि सब्सिडरी ने सेल किया, तो आपको बस सेम एंट्री, डेबिट ग्रुप रिजर्व्स है, क्रेडिट ग्रुप इन्वेंट्री है, लेकिन आपको डेबिट एनसीआई भी करना होगा। फ्रॉम योर ग्रुप पर्सपेक्टिव द होल ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मस्ट बी एलिमिनेटेड, इसलिए आपको एनसीआई को भी चार्ज करना होगा। सो दिस विल बी द एंट्री देन। एक्विजिशन ऑफ अ सब्सिडी पार्ट वे थ्रू अ ईयर, ज़रूरी नहीं है अगर आप दिसंबर में आपका ईयर एंड है तो आपने जनवरी में एक्वायर की हो कोई सब्सिडी, हो सकता है मैंने अप्रैल में जाके की, तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने मेरे पास वो नहीं थी। तो अगर मैं एक्विजिशन कोई पार्ट वे थ्रू द ईयर करती हूँ तो हम क्या करते हैं, पहले हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉफिट अर्न किए हैं उस कंपनी ने बिफोर द एक्विजिशन, सो दैट हम कैलकुलेट कर सकें गुडविल, और क्या प्रॉफिट अर्न किए आफ्टर एक्विजिशन, क्योंकि उनको हम लेंगे उसको हमें उसकी हमें ज़रूरत है टू कैलकुलेट आवर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। इसलिए हम मानते हैं कि सब्सिडी का जो प्रॉफिट है वो अक्रू होता है इवनली ओवर द ईयर, इसलिए आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर देते हो टू द मंथ्स की, इंटू 9/12 इतना मैंने एक्वायर किया था जब, और इंटू 3/12 इस वक्त मेरे पास वो नहीं थी कंपनी। सो ऐसे हम करते हैं मंथ से मल्टीप्लाई। कॉन्सॉलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के लिए आप सिंपली 100 पेरेंट का 100 सब्सिडी का लेते हो, ऑफकोर्स यू एक्सक्लूड कोई भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, जो अगर आपने कोई सेल्स की है तो आप माइनस करोगे वो इंट्रा ग्रुप जो अमाउंट है, पूरा रेवेन्यू फ्रॉम योर सेल्स फिगर एंड योर कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑल्सो। इंट्रा ग्रुप सेल्स, स्ट्रिप आउट इंट्रा ग्रुप एक्टिविटी फ्रॉम बोथ, जैसे कि मैंने कहा रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगर कोई है, अगर गुड्स पेरेंट ने भेजे तो आप इंक्रीज कर दोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय दैट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, लेकिन अगर गुड्स सब्सिडरी ने बेचे हैं तब आप इंक्रीज तो कर दोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय दैट फुल अमाउंट, बट ऑल्सो यू विल डिक्रीज देयर एनसीआई बाय देयर शेयर ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। एनसीआई का कैसे करोगे, एस प्रॉफिट आफ्टर, यानी कि सब्सिडी का क्या पैट है उसमें से आपने हटा दिया ये अनरियलाइज प्रॉफिट, पर ये तभी होगा जब सब्सिडी गुड्स बेच रहे पेरेंट को, पेरेंट जब सब्सिडी में बेच रहे तब ये ट्रीटमेंट आपको नहीं करनी है, क्योंकि तब अनरियलाइज प्रॉफिट एनसीआई के लिए है ही नहीं। फिर जो आया उस पर एनसीआई की परसेंटेज जो भी, अगर आप 20% होल्ड करो, 30% होल्ड करो, उससे सीधा किया मल्टीप्लाई और आपको आ जाएगा ये आंसर एनसीआई का। ऑलराइट, एक्विजिशन पार्ट में थ्रू द ईयर अगर हो रहे हैं और आपको पीएनएल में क्या करना है, हमने देख लिया कि भाई बैलेंस शीट के लिए आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हो, पोस्ट एंड प्री देखना चाहते हो, बट पीएनएल में हम पूरा का पूरा पीएनएल को स्प्लिट कर देते हैं, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम योर रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरा पीएनएल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टू द मंथ्स जितना आपने उसको एक्वायर किया, लेट्स से इंटू 9/12, फिर उसको लाइन बाय लाइन हम ऐड करेंगे हमारे जो पेरेंट कंपनी की पीएनएल है उसके साथ, बिकॉज सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन फिगर्स ही हम कंसोलिडेट करते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि था हमारा फाइनल चैप्टर एफए के लिए। तो जैसे कि हमने पहले सेशन में भी पढ़ा था कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड कि आपकी कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है एज सच। सो मैनेजमेंट जो है वो यूज़ करता है ये डेटा टू इंश्योर कि बिजनेस क्या एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है, क्या एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। एम्प्लॉयज़ ऑफ कोर्स इंटरेस्टेड है टू सी कि क्या जो एम्प्लॉयर है उनका, जो कंपनी में वो काम कर रहे हैं, क्या वो स्टेबल है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या उनको सैलरी फ्यूचर में मिलती जाएगी, क्या यहाँ ग्रोथ होगा, क्या उनको रेम्युनरेशन और उनके बेनिफिट्स मिलेंगे, या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है। गवर्नमेंट नीड टू असेस क्या टैक्स है, क्या रेगुलर, एंड ऑफ कोर्स फॉर द स्टैटिस्टिकल पर्पसेस आल्सो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स असेस करेंगे कि भाई कंपनी कैसा कर रही है, क्या यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, और अगर मैंने ऑलरेडी किया है क्या मुझे रखना चाहिए या निकाल लेना चाहिए अपना पैसा। लेंडर्स एंड सप्लायर्स विल वांट टू जज क्या वो कंपनी क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं, कि अगर मैंने उसको पैसा दिया या मैं उनका सप्लायर हूँ क्या मुझे मेरा पैसा वापस टाइम से मिलेगा या नहीं। कस्टमर्स विल वांट टू जज कि ये कंपनी रहेगी, कंटिन्यू करेगी, कि इनसे जो हमें गुड सर्विस मिल रहा है क्या वो हमारा मिलता रहेगा, क्योंकि अगर लेट्स से मेरा बिजनेस उनके गुड्स पे डिपेंडेंट है तब ऑफकोर्स आई एम इंटरेस्टेड इन दैट इंफॉर्मेशन। ब्रॉड कैटेगरीज क्या है रेशियो की हमने पढ़ा था, तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये 5 कैटेगरीज थी, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी एंड स्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी, और एफिशिएंसी टर्नओवर रेशियोज। हमें सिर्फ ये 4 देखना है क्योंकि जो 5th कैटेगरी है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि ROCE, इसका क्या फॉर्मूला है, PBIT यानी कि आपने जो प्रॉफिट बनाया बिफोर योर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय योर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100%। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो गया, आपका जो शेयर होल्डर्स की इक्विटी है प्लस योर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, या फिर आप कह सकते हो टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, सेम ही चीज है। देन ROC कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है, प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर। प्रॉफिट मार्जिन इज PBIT बाय सेल्स और एसेट टर्नओवर इज सेल्स बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये फॉर्मूलाज याद रहें, बिकॉज अगेन इंटरप्रिटेशन रेशियो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट मे बी क्वेश्चन वर्थ फ्यू मार्क्स फ्रॉम हेयर, चाहे एमसीक्यू के तौर पे या सेक्शन बी के तौर पे। तो मेक श्योर आपको ये फॉर्मूलाज याद रहें, और ये आपको आगे जाके भी, आगे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ईसीसीए के भी आपको ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी एक रिस्ट्रिक्टिव व्यू देता है आपके कैपिटल का, देन आरओसी। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बट डिवाइडेड बाय योर ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ग्रॉस और नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन हो गया आपकी ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज नेट इनकम बाय सेल्स इनटू 100। डेट रेशियो यानी कि कंपनी का टोटल डेट्स कितने हैं टूवर्ड्स इज टोटल एसेट्स, तो टोटल डेट्स बाय टोटल एसेट्स। गियरिंग आप निकाल सकते हो बाय कैलकुलेटिंग क्या आपका टोटल लॉन्ग टर्म डेट है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटीज एंड योर लॉन्ग टर्म डेट, टोटल लॉन्ग टर्म डेट इनटू 100%। लेवरेज यूजली एक टर्म है जो कि यूज करते हैं हम टू डिस्क्राइब कन्वर्स यानी कि ऑपोजिट ऑफ गियरिंग, दैट इज क्या प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स है जो कि आप फाइनेंस कर रहे हो बाय इक्विटी, इसलिए आप इसको इक्विटी टू एसेट्स भी रेशियो कह सकते हो। तो इसमें सेम चीज हो जाती है, आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस टोटल लॉन्ग टर्म डेट तो नीचे है लेकिन ऊपर जो है वो आ जाता है शेयर होल्डर्स इक्विटी इंस्टेड ऑफ डेट। सो यू कैन राइट इट ऑल्सो दिस वे, शेयर होल्डर्स इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी, सेम ही आंसर आएगा। इंटरेस्ट कवर, ना इंटरेस्ट कवर रेशियो जो है वो बताता है कि क्या एक कंपनी इनफ मनी अर्न कर रही है, इनफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्न कर रही है कि वो अपने जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको कंफर्टेबली पे ऑफ कर सके, उसको कंफर्टेबली कवर कर सके। तो इंटरेस्ट कवर का रेशियो का फॉर्मूला है पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट चार्जेस। एंड इंटरेस्ट कवर ऑफ 2 टाइम्स और लेस को आप अगर 2 या उससे कम है तो वो लो कंसिडर किया जाएगा, एंड इट शुड रियली एक्सीड 3 टाइम्स बिफोर कंपनीज इंटरेस्ट कॉस्ट आर टू बी कंसिडर्ड विद इन दोज एक्सेप्टेबल लिमिट्स। कैश साइकिल के बारे में हमने बात की थी कि वो डिस्क्राइब करता है आपका फ्लो ऑफ कैश आउट ऑफ द बिजनेस देन अगेन वापस बैक इन द बिजनेस, जो आपके नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशंस में कि मैंने रॉ मटेरियल्स खरीदे तो मेरा पैसा गया, फिर मैंने उसको बनाया गुड्स एंड फाइनली जब गुड्स बेचा तो पैसा वापस आ गया। तो ये एक साइकिल है जो चलता ही जाता है, दिस इज योर कैश साइकिल। लिक्विडिटी रेशियोज में सबसे पॉपुलर है आपका करंट रेशियो यानी कि करंट एसेट्स बाय लायबिलिटीज। करंट रेशियो इन एक्सेस ऑफ 1 शुड बी एक्सपेक्टेड, otherwise there would be a prospect that company might not be able to pay off their debts. Quick ratio or asset test is similar, current assets से बस आप हटा दो inventory and divided by current liabilities तो आपको आ जाता है quick ratio. Then efficiency ratio जिससे आप calculate कर सकते हो अपना receivables और inventory कि क्या रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड आपका कितना है, क्या आपका टाइमली आपके डेटर्स पे ऑफ कर दे रहे हैं या नहीं। सो ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डेज। और इन्वेंट्री भी फिगर इस फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि क्या एवरेज नंबर ऑफ डेज हैं कि आपकी जो आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री उसको आप होल्ड करके रखते हो। सो इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365। देन है हमारा पेबल्स पेमेंट पीरियड। सो आपका जो अकाउंट्स पेबल पेमेंट पीरियड है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सिमिलरली ट्रेड अकाउंट्स पेबल डिवाइड बाय परचेसेस इनटू 365 कि आप अपने पेबल्स को कितने पीरियड में पे ऑफ कर देते हो। लिमिटेशंस ऑफ कॉस्ट है इन रेशियो एनालिसिस की, तो क्या लिमिटेशंस है एक बार वो क्लियरली देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि रेशियो एनालिसिस फुल प्रूफ नहीं है, इसमें भी कई प्रॉब्लम्स है विथ कंपैरिजंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड्स। इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स है कि भाई जो हिस्टोरिकल कॉस्ट इंफॉर्मेशन है वो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं होती है फॉर योर डिसीजन मेकिंग एज सच। इंफॉर्मेशन इन पब्लिश अकाउंट इज जनरली समराइज्ड इंफॉर्मेशन एंड आपको हो सकता है डिटेल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो, या फिर एनालिस्ट ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाता है कि क्या सिम्टम्स थे बट कॉज नहीं बता पाता है, इसलिए इट इज ऑफ लिमिटेड यूज। देन यू फेस कंपैरिजन प्रॉब्लम्स आल्सो यानी कि ट्रेंड एनालिसिस की जो इफेक्ट्स है ऑफ योर प्राइस चेंजेस विच मेक्स कंपैरिजन डिफिकल्ट। पोटेंशियल इफेक्ट्स होते हैं आपके चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो उससे कंपैरिजन करना हो जाता है मुश्किल। एंड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं विद एस्टैब्लिशिंग कि आपको बेस ईयर क्या डालना चाहिए। देन देर आर सम कंपेरिजन प्रॉब्लम्स अक्रॉस कंपनीज ऑल्सो कि अगर आप दूसरे कंपनीज के साथ कंपेयर कर रहे हो तो सिलेक्शन ऑफ इंडस्ट्री नॉर्म्स, यूजफुलनेस ऑफ नॉर्म्स बेस्ड ऑन एवरेजेस। डिफरेंट फर्म्स के भाई डिफरेंट टाइप की रिस्क होती है, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क, तो इसलिए उनका इम्पैक्ट जो है अलग होगा, उनके वजह से द इम्पैक्ट ऑन एनालिसिस विल बी डिफरेंट। डिफरेंट फर्म्स यूज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. भाई हर फर्म एक अकाउंटिंग पॉलिसी तो नहीं यूज़ करती है, सबके अलग अलग होते हैं. तो उस वे में उस अलग अकाउंटिंग पॉलिसी है तो क्या रेशियो निकाल के उनका कंपेयर करना सही रहेगा, नहीं रहेगा. इम्पैक्ट ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स कंपेरेटर्स ऑन रिस्क, रिटर्न्स एंड स्ट्रक्चर. ऑलराइट, इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया हमारा पूरा रिविजन ऑफ आवर इंटायर सिलेबस. अब एक बार क्विकली हम देख लेते हैं हम एग्जाम स्ट्रक्चर क्या. सो लेट्स जस्ट एनालाइज द एग्जाम स्ट्रक्चर. तो आपका FA एग्जाम जो है ड्यूरेशन है उसकी 2 आवर्स एंड इट इज वर्थ 100 मार्क्स. ये 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन A एंड सेक्शन B. जो आपका सेक्शन A है उसमें आपको आएंगे MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमने अभी तक इतने सेशंस में देखा ही है, राइट. और आगे हम वीडियो क्वेश्चन मैराथन में भी करने वाले हैं. यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो MCQs हैं वर्थ 2 मार्क्स ईच. तो टोटल आपका बन जाता है इस सेक्शन से 70 मार्क्स. जो सेक्शन B है वहाँ पे आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे लेकिन दे आर वर्थ 15 मार्क्स ईच. तो टोटल है 30 मार्क्स. ये हैं आपके मल्टीटास्क क्वेश्चन यानी कि MTQs. तो यहाँ आपको एक थोड़ा सा सिनेरियो दे सकते हैं और उसके साथ ना डिफरेंट डिफरेंट टास्क होंगे. शायद MCQ भी एक दे दें, शायद गैप फिलिंग क्वेश्चन दे दें, शायद यू नो मैच मेकिंग टाइप्स दे दें. तो कुछ भी हो सकता है. तो दीज आर योर MTQs. Now let's discuss some best exam techniques. तो before the exam सबसे पहले बहुत ही ज़रूरी है कि आप complete करो the entire syllabus. आपने पेपर नहीं सेट किया तो आपको नहीं पता है कि क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी. आप नहीं डिसाइड कर सकते हो ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं इसको नहीं पढ़ता हूँ. नहीं, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है. इसलिए जो पूरा सिलेबस है आप वो पढ़ो. अगर जो हमने आपको सेशंस दिए हैं इतने डिटेल सेशंस हैं वो पूरा कवर करता है सिलेबस, जो भी पूरा सिलेबस एरियाज हैं. सो मेक श्योर आप वो सारे सेशंस देखो एंड यू डू नॉट स्किप एंड चूज कि ओ ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है तो इसको छोड़ दूँ. कंप्लीट FinTram's वीडियो क्वेश्चन मैराथन एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स. सो अब जब आप इस रिविजन के बाद वीडियो क्वेश्चन मैराथन करोगे तो सिर्फ एक बार ही देख के नहीं छोड़ देना कि अच्छा सेक्शन A देख लिया सेक्शन B देख लिया हो गया. आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना चाहिए और खुद भी सॉल्व करना चाहिए क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप सॉल्व नहीं, ऑफ कोर्स थ्योरेटिकल भी MCQs आएंगे, लेकिन इसमें अगर आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो चाहे थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो तो मतलब आप कैसे करोगे, राइट. MCQs MTQs आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे वो थ्योरी का क्वेश्चन हो या प्रैक्टिकल बेस्ड हो, कुछ कैलकुलेट करना हो या रेशियो निकालना हो, जो भी चीज़ है प्रैक्टिस के बिना नहीं आप कर पाओगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेन चीज़ जो हमेशा होती है, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने भी सारे ICCA पेपर्स दिए थे, क्लियर किए थे, तभी जाके मैं ICCA मेंबर बनी, वॉज प्रैक्टिस. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका चांस बढ़ जाता है ऑफ पासिंग. सो मेक श्योर योर प्रैक्टिसिंग. सिर्फ सेशंस पढ़ लिए इज नॉट इनफ एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि इससे मैं पास हो जाऊंगा. नहीं, यू हैव टू प्रैक्टिस. जो वीडियो क्वेश्चन मैराथन है वो एक डिटेल्ड क्वेश्चन मैराथन है जहां हमने पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व किए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए. इसलिए इंपॉर्टेंट है आप उसको ध्यान से देखो, कई बार देखो और खुद जो उसमें भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसको भी बैठ के अपने आप सॉल्व करो. गिव एटलीस्ट 1 मॉक पेपर विद इन योर प्रिस्क्राइब टाइम. 1 मॉक एग्जाम तो आप कम से कम दो, आप 1 से ज़्यादा भी देख सकते हो बट कम से कम 1 तो दो. बिना मॉक पेपर दिए एग्जाम में जाना इज फूलिशनेस. आई टेल यू वाई, बिकॉज द पीपल द स्टूडेंट्स हु गिव मॉक एग्जाम उनके चांसेस बढ़ जाते हैं टू क्लियर द एग्जाम दैन दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट. ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम एक्सपीरियंस. बहुत ज़रूरी है आप मॉक पेपर दो, ज़रूर दो. एंड ऐसा नहीं है कि बैठ गए पेपर लेके और अपना 3-4 घंटे लगा रहे. नहीं, यू हैव टू क्रिएट ऐसा एनवायरनमेंट कि हाँ आप एग्ज़ाम देने हो. अपना रूम बंद करो, 2 घंटे का अलार्म लगाओ और बोलो कि भाई 2 घंटे मैं ऐसे ही पेपर दूंगा जैसे कि मैं एक्चुअल एग्ज़ाम दे रहा हूँ. तभी जाके आपकी प्रैक्टिस होगी कि उस दिन टाइम लिमिट करना है क्योंकि क्वेश्चन शायद आपको सॉल्व करना आता हो लेकिन अगर आप विद इन दैट टाइम फ्रेम नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो उसका फ़ायदा क्या हुआ. एट द एंड आपका पेपर छूट जाएगा और आप शायद पास ना हो पाओ. एंड ऑफ कोर्स फाइनली अपियर फॉर योर एग्ज़ाम. क्या अप्रोच होना चाहिए आपका एग्ज़ाम में? कॉस्ट, टाइम मैनेजमेंट इज़ द की. अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया है तो फिर बहुत गड़बड़ी हो जाएगी. भले ही आपको क्वेश्चन आते हैं उसका क्या फ़ायदा अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं बचा. सो इंश्योर स्ट्रिक्ट टाइम मैनेजमेंट. आइडल टाइम एलोकेशन है 1 मिनट पर मार्क. उसके बाद भी आपके पास अराउंड 20 मिनट बच जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हो टू अगेन रिवाइज, या कुछ क्वेश्चंस में आपको शायद 1 मिनट से ज़्यादा भी लगे, लेकिन आइडियली आपको ये पकड़ के चलना है कि भाई 1 मिनट पर मार्क. अटेम्प्ट द बेस्ट नोन फर्स्ट, यानी कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको आप पहले अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उस पर उस वक्त टाइम में मत करो. अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसे होगा, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, मूव ऑन. आप वापस आके उसको कर सकते हो, जस्ट फ्लैग इट, मूव ऑन, आके वापस दोबारा कर लेना, क्योंकि उस वक्त उस पर आप टाइम वेस्ट करते जाओगे और आगे आपको जो क्वेश्चंस आते भी हैं वो भी आपके उसमें भी आप स्कोर नहीं कर पाओगे, आपका टाइम पूरा निकल जाएगा. इसलिए जो जो आता है उसको फटाफट अच्छे से पढ़ के समझ के सॉल्व करते जाओ. कोई क्वेश्चन लग रहा है नहीं आ रहा है, विच इज़ फाइन, आपको 100% ऑफ द पेपर आएगा, ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है इसकी. ऐसा कौन ही स्टूडेंट होगा जिसको हर चीज़ आती होगी, जिसको 100 एंड 100 आए, राइट? नहीं होगा. कुछ को 90% आएगा, कुछ को 80% आएगा, कुछ को 95% भी आएगा, कुछ को मे बी सिर्फ 70% पेपर सॉल्व करने को होगा. तो सबका डिफरेंट होगा, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स आपने कितना पढ़ा है, कितनी प्रैक्टिस की है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है. हमने तो आपको पढ़ा दिया, बट प्रैक्टिस करना हमारे साथ ये वीडियो क्वेश्चन मैराथन देख के वो आपकी जिम्मेदारी है. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम मैनेजमेंट रखो, आप जो आपको आता है उसको पहले करो और जो नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट मत करो, उसको अभी के लिए छोड़ दो. बिकॉज यू कैन टारगेट द ट्रफ फंड्स विद द फ्रेश सेट ऑफ आई. जब आपका पूरा हो जाएगा और आप वापस आओगे तब आप भी रिलैक्स होगे कि भाई मैंने मेजॉरिटी ऑफ पेपर तो दे दिया है, ये बस 3-4 कुछ क्वेश्चंस बचते हैं, उसको अब चलो मैं ध्यान से देखता हूँ और ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का. अटेम्प्ट देम ऑल, टेक अ चांस. कितने बार मैंने कहा है ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स से कि प्लीज़ सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, चांस लीजिए. यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीसीए में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, विच इज़ सच अ गुड एडवांटेज दैट इज़ गिवन टू यू. उसको यूज़ कीजिए. कई बार मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स को नहीं आता है और टाइम भी बचा होता है फिर भी छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते. उनको लगता है अरे पता नहीं, मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है. अरे आप कुछ भी तुक्का ही लगा दो, एक आंसर ही कोई भी सेलेक्ट कर लो, क्या पता सही हो जाए. सो टेक अ चांस. जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, Why do you want to leave it? अगर आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, लेट्स से आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और कुछ 5-6 क्वेश्चंस रह गए MCQs के, तो आप जितना टाइम है उसको पढ़ के सॉल्व करने का आप कोशिश कीजिए. वरना अगर टाइम एकदम अप होने वाला है, फटाफट जस्ट सबमिट, उस पर किसी भी आंसर को क्लिक करके तुक्का लग सकता है. टिप्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, ऑफकोर्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली. अगर आप क्वेश्चन एक बिगनिंग पढ़ना स्टार्ट करो, आपको लग रहा है ओ ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है, किया हुआ है, और आप एक्साइट होके पूरा पढ़ते भी नहीं हो, ध्यान से नहीं पढ़ते हो. आपने अगर अपना कॉन्सेंट्रेशन पूरा नहीं लगाया उस वक्त क्वेश्चन पे और आपने कुछ और सोच रहे हो, और फिर मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा पर मैं कुछ और सोच रही थी तो मैंने ध्यान से पढ़ा, मैं फिर से वो क्वेश्चन पढ़ूंगी, तो आपने सोचो कितना टाइम वेस्ट कर दिया. इसलिए आप जब पढ़ने बैठो वो क्वेश्चन, तो मेक श्योर आप उस वक्त उस पर ही सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो. आसपास ऊपर नीचे कुछ और सोचना नहीं है, सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में ही सोचना है. थिंक बिफोर आंसरिंग, डोंट रश. डोंट थिंक कि आपको ये क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है तो यही होगा आंसर. एक बार सोचो कि क्या ये वही था, क्या यही आंसर होना चाहिए. डोंट रश, सोच के जवाब देना है. इफ़ यू आर नॉट श्योर, एलिमिनेट अदर आंसर्स टू फाइंड द करेक्ट आंसर. अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप ट्राई करो एलिमिनेशन करना. जैसे लेट्स से 4 ऑप्शन दिए तो आप देखो ओ ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका आंसर, ऑप्शन डी भी मुझे नहीं लगता. अब बी और सी में आपको डाउट है तो फिर आप थोड़ा और दिमाग पे जोर डालो कि क्या हो सकता है, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है देन ऑफ कोर्स लाइक आई सेड टेक अ चांस, तुक्का लगा दो. आंसर ऑल ऑफ क्वेश्चन इवन इफ अनश्योर ऑफ द आंसर. जैसे कि मैंने कहा, अगेन रीइटरेटिंग ऑन दिस, हाँ सारे क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. व्हाट इफ वो सही हो जाए आपका तुक्का, टेक अ चांस. इसलिए फर्स्टली ऑफकोर्स गिव यू 100%, डू ऑल द वंस यू नो, देन कम बैक टू द वंस यू डू नॉट नो, ट्राई द एलिमिनेशन टेक्निक. एंड उसके बाद भी अगर आप सॉल्व नहीं हो रहा है, एंड ऐसे होंगे कई क्वेश्चन, देन इट्स फाइन, देन जस्ट टेक अ चांस, क्लिक ऑन एनी आंसर. ऑल राइट, इसी के साथ हमारा रिविजन सेशन यहीं खत्म होता है. अब इस रिविजन बूट कैम्प में मैं आपको मिलूंगी वीडियो क्वेश्चन मैराथन में. अब आ गई है भाई बारी हमारी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने की. सो वीडियो क्वेश्चन मैराथन में हम ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो दैट आपको एक फ्लेवर मिल जाए कि भाई एग्जाम में कैसा आ सकता है, कैसे टाइप की चीज़ें होती हैं. आई विल नाउ सी यू इन दैट. टिल देन, दिस इज दिशा चौहान साइनिंग ऑफ.